वाल तक पढ़े थे, ये सेल वाल है ना, और अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सेल वाल में स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ये सेल वाल है। तो आपने देखा था सेल वाल का जो ज्वाइंट है, दो सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है प्लांट सेल। तो इन दोनों के बीच का जो ज्वाइंट है ये मिडिल लेमिली का बना होता है, और मिडिल लेमिली बना हुआ है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का, ये पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा देखिए इसमें जो सेल वॉल के लेयर्स हैं, तीन लेयर के बने होते हैं सेल वॉल, ये एक सेल वॉल है, ये एक सेल वॉल है, जैसा मैंने पहले बताया है। इनमें तीन तीन लेयर है, सबसे बाहर का लेयर जो है ये जो है प्राइमरी वॉल कहलाता है, उसके बाद एक मोटा सा सेकेंडरी वॉल है, और फिर एक फिर से पतला सा टर्सरी वॉल है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि शुरू में जब प्लांट सेल्स बनते हैं तो वहां पर सबसे पहले प्राइमरी वॉल ही बनता है, उसके बाद सेकेंडरी वॉल बनता है, उसके बाद टर्सरी वॉल बनता है। तो इस तरह से वॉल लेयर्स बनते चले जाते हैं प्लांट सेल्स में, और इनमें जो प्राइमरी वॉल और टर्सरी वॉल है ये काफी पतले होते हैं। इन दोनों की जो थिकनेस है 1 to 3 माइक्रॉन के आसपास होती है, प्राइमरी और टर्सरी वॉल की, ये भी मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया है आपको। सेकेंडरी वॉल काफी मोटी होती है, 5 से 10 माइक्रॉन इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। और सेकेंडरी वॉल तीन लेयर में बटी हुई है, S1, S2, S3 में। तो S2 फिर से यहां पर मोटी है, ये भी मैंने बताया। इसके अलावा एक और चीज बताया था कि इनमें पिट्स होते हैं, पिट्स मतलब गड्ढे होते हैं, ऐसे छिद्र होते हैं, है ना, इनको पिट फील्ड्स कहा जाता है, प्राइमरी पिट फील्ड्स कहा जाता है इनको, ठीक है। और दो सेल्स के जो पिट फील्ड्स हैं एग्जैक्टली एक दूसरे के आमने सामने पड़ते हैं, इनको पिट पेयर्स कहते हैं, ठीक है। और फिर ये अंदर की तरफ पूरा पोरस होते हैं, सेल वॉल पूरा छिद्र, इसमें पोर्स होते हैं पूरे, ठीक है, जिससे मटेरियल्स सेल के अंदर बाहर हो सकता है, और इसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटा, सेल वॉल में जो पोर्स होते हैं वो प्लाज्मोडेस्मेटा है। इस टर्म को स्ट्रासबर्जर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, स्ट्रासबर्जर ने ये प्लाज्मोडेस्मेटा टर्म दिया था। अब देखिए ये प्लाज्मोडेस्मेटा का डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया था, सेल टू सेल प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल्स का एक्सचेंज होते रहता है, क्योंकि प्लांट सेल चूंकि बहुत पास पास होते हैं, एकदम चिपके हुए होते हैं, तो इनके बीच में कोई टिश्यू फ्लूड नहीं होता जिससे ये एक्सचेंज कर सके मटेरियल्स का। तो इसके लिए फिर ये प्लाज्मोडेस्मेटा होता है जिसके द्वारा एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल्स एक्सचेंज हो जाते हैं। लेकिन ये प्लाज्मोडेस्मेटा तभी तक खुले रहते हैं जब तक सेल्स लिविंग रहते हैं, या सेल लिविंग तब तक रहते हैं जब तक प्लाज्मोडेस्मेटा ओपन रहते हैं। बाद में सेल वॉल में लिग्निन, पेक्टिन इनका डिपोजिशन होते चला जाता है, क्यूटीन का डिपोजिशन होते चला जाता है, तो ये धीरे 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 ये बंद होते चले जाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, ये प्रॉब्लम है इसके साथ, ठीक है, और सेल की डेथ हो जाती है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता था यहां पर, कि अगर आप सेल वॉल का टीएस काटते हैं, ठीक है, ये सेल वॉल का टीएस है, तो आपको इसमें दो चीजें दिखेंगी। एक तो आपको बेस मटेरियल दिखता है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, और मैट्रिक्स बना होता है हेमी सेलुलोस और क्यूटीन का, और इसमें बहुत सारे ऐसे मैक्रोफाइब्रिल्स ऐसे सस्पेंडेड कंडीशन में रहते हैं, बिखरे हुए कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये मैक्रोफाइब्रिल्स हैं, मैक्रो का मतलब होता है बड़े, माइक्रो मतलब छोटे ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे इंग्लिश हिंदी वाले, है ना, मैक्रोफाइब्रिल्स हैं, और ये मैक्रोफाइब्रिल एक्चुअली सेलुलोज के बने होते हैं, सेलुलोज के, ठीक है। अब सेलुलोज क्या चीज है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, तो वो मैं आपको अब बताने वाला हूं, यहां तक तो मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं। अब देखिए ये पिट फील्ड्स है, इनको भी एक बार और बता देता हूं आपको। ये इधर एक सेल है, इसका सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, तो आप देख सकते हैं सेल वॉल के बीच बीच में ये खाली जगह छूटे हुए हैं, तो ये वो प्लाज्मोडेस्मेटा और पिट्स हैं, ठीक है, ये दो प्रकार के हैं, एक सिंपल पिट है आप देख सकते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं बॉर्डर पिट है, ऐसे पिट के चारों तरफ ऐसे बॉर्डर बन गया है, मतलब सेल वॉल एक्सटेंड हो गया, ऐसे बॉर्डर टाइप का बना लिया है, ठीक है, तो बॉर्डर पिट्स हैं। और ये जाइलम वगैरह में पाया जाता है बॉर्डर पिट, क्योंकि यहां पर प्रेशर के साथ पानी ऊपर चढ़ता है तो पिट्स के या छिद्र के फट जाने का खतरा होता है, तो बॉर्डर पिट होते हैं वहां पर, और सिंपल पिट है जो बाकी सेल्स में होते हैं, ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में थोड़ा सा बताया है। अब देखिए सेलुलोज कैसे बनता है ये आप समझ लीजिए। आपको पता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं अल्फा ग्लूकोज और एक होते हैं बीटा ग्लूकोज, और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जिसके द्वारा वो जुड़ते हैं।
ठीक है। अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी दो प्रकार के होते हैं, एक अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और एक बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहां पर होते हैं बीटा ग्लूकोस और बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये ग्लूकोस आपस में जुड़ते चले जाते हैं, देखिए इस तरह से। अभी मैं इसका एक और स्ट्रक्चर बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अल्फा और बीटा ग्लूकोस में क्या अंतर है, ठीक है। तो अभी आप पहले समझ लीजिए कि बीटा ग्लूकोस के मॉलिक्यूल्स ऐसे आपस में जुड़ते हैं बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, और करीब करीब 6000 मॉलिक्यूल्स तक ये लाइन से जुड़ जाते हैं जिससे एक चेन बनती है, ग्लूकोस मॉलिक्यूल की एक चेन बनती है, ठीक है। वन चेन ऑफ 5000 to 6000 ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो चेन्स हैं, ये चेन्स आपस में बंडल बनाते हैं ऐसे मिल करके, जैसे एक चेन दो चेन ऐसे बंडल बनाते हैं। कितने चेन का बंडल होता है? ये 100 चेन्स का बंडल होता है, और इस बंडल को हम कहते हैं माइसिली। मतलब एक माइसिली में 100 चेन्स होते हैं और हर एक चेन 6000 ग्लूकोस मॉलिक्यूल का बना होता है। तो एक चेन 6000 मॉलिक्यूल का, ऐसे 100 चेन से एक माइसिली। अब सपोज कि ये एक माइसिली हो गया, ठीक है। अब ऐसे ऐसे 20 माइसिली आपस में मिलके बंडल बनाएंगे, ऐसे एक माइसिली, ये दो माइसिली, ऐसे 20 माइसिली का एक बंडल बनेगा। ये देखिए, ये जो दिख रहे हैं ये एक एक माइसिली है। इस माइसिली के अंदर जो एक एक दिख रहे हैं वो ग्लूकोज के चेन्स हैं। ये 20 माइसिली, इससे बनता है माइक्रोफाइब्रिल, ठीक है। अब ये जो माइक्रोफाइब्रिल है, जो 20-20 माइसिली से एक एक बने हुए हैं, ये आपस में बंडल बनाते हैं, और आपस में बंडल बनाते हैं तो एक मैक्रोफाइब्रिल बनता है, मैक्रोफाइब्रिल, ठीक है। ये एक मैक्रोफाइब्रिल, ये मैक्रोफाइब्रिल अभी मैंने आपको मैट्रिक्स में बताया था, ठीक है, मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं। ये मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स ऐसे करके इसमें ऐसे फाइबर्स जो है सस्पेंडेड है, ऐसे बताया था ना। तो ये एक एक मैक्रोफाइब्रिल है, वो एक मैक्रोफाइब्रिल, उसके अंदर 250 माइक्रोफाइब्रिल है, और हर एक माइक्रोफाइब्रिल के अंदर 20 माइसिली है, हर एक माइसिली के अंदर 100 चेन है, और हर एक चेन जो है 6000 ग्लूकोस मॉलिक्यूल के बने होते हैं। तो इस तरह से हजारों, फिर लाखों, फिर करोड़ों, फिर अरबों मॉलिक्यूल्स ग्लूकोस के पाए जाते हैं एक एक माइक्रोफाइब्रिल में, और ऐसे ऐसे हजारों लाखों माइक्रोफाइब्रिल्स मैट्रिक्स में सस्पेंड हो जाते हैं, और उससे बनता है सेल वॉल, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं यहां पर कि ये अल्फा और बीटा ग्लूकोस क्या है और इनका बॉन्ड क्या है। तो देखिए, ये एक ग्लूकोस है, ठीक है, जो मैं बना जा रहा हूं, C6H12O6। इसमें ये H है, OH, HOH, 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 CH2OH, ऐसा है ना। एक और बना देता हूं तो आपको समझ में आएगा दोनों में मैं क्या डिफरेंस बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, ये दो ग्लूकोस आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक जगह डिफरेंस नजर आएगा। कहां पर डिफरेंस नजर आएगा? देखिए, ये वाला OH और ये वाला OH, ये दोनों नीचे साइड में है पहले वाले ग्लूकोस में। दूसरे ग्लूकोस में देखिए, ये नीचे में है तो ये ऊपर में है, ये डिफरेंस है। तो ये जो दोनों नीचे में है, ये है अल्फा ग्लूकोस, ठीक है, और जो एक ऊपर एक नीचे है ये बीटा ग्लूकोस है। आपने स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ये तीन नाम सुने हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये दोनों जो हम लोगों में हम लोग पचा सकते हैं स्टार्च को, ग्लाइकोजन हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ये दोनों स्टार्च और ग्लाइकोजन ये अल्फा ग्लूकोज से बने होते हैं, और जो सेलुलोज है वो बीटा ग्लूकोज से बना होता है। अब ये आपस में जुड़ते कैसे हैं? तो देखिए, एक अल्फा दूसरे अल्फा से जुड़ता है जनरली, और एक बीटा दूसरे बीटा से जुड़ता है जनरली, ठीक है। ये देखिए, ये दो अल्फा हो गए और ये दो बीटा हो गए, ये दो बीटा हो गए। अब देखिए, जब अल्फा जुड़ते हैं तो देखिए, एच
OH OH नीचे में है, ये दोनों में बॉन्ड बन जाता है, इसमें से एक H2O डिलीट हो जाता है तो दोनों के बीच में O बचता है, तो ऐसे दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। जबकि यहां पर आप देखिए एक ऊपर में है एक नीचे में है, तो ये बॉन्ड ऐसे तिरछा बनता है, ऑब्लिक बॉन्ड बनता है, और इन दोनों के बीच में O बन जाता है, ऐसे करके बॉन्ड बन जाता है ऐसे, और यहां पर भी H2O डिलीट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से बॉन्ड बनता है। तो ये जो सीधा सीधा बॉन्ड बनता है ये अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, और ये ऐसा जो तिरछा बनता है ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो जो सेलुलोज है उसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, स्टार्च है और ग्लाइकोजन है, इसमें अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं। एक और चीज बता देते हैं, जैसे आप देखते हो तो इसमें लिखा रहता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है, और वैसे इसमें भी लिखा रहता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसका क्या मतलब है आप इसको समझिए, यहां पर अगर आप कार्बन एटम गिनते हैं, जैसे ग्लूकोज में C6H12O6 है, मतलब 6 कार्बन है, 6 में से एक कार्बन ये है, 2, 3, 4, ये कोने में 5, और ये छठवां कार्बन है, वैसे इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन। तो बॉन्ड आप देखिए किसके किसमें बीच बना है, ये पहला कार्बन में है और ये फोर्थ कार्बन में है, ऐसा करके बॉन्ड बना है, इसलिए ये हुआ अल्फा 1,4 और ये बीटा 1,4, क्योंकि ये भी 1 और 4 पे बना है तो बीटा 1,4 हुआ, ठीक है। कभी कभी ये 6 पे भी बन जाता है, कभी कभी 3 पे भी बन जाता है, तो बीटा 1,3, बीटा 1,6, अल्फा 1,3, अल्फा 1,6, अल्फा 1,4, बीटा 1,4। दोनों कार्बन दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के कौन कौन से कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है वो कहलाता है अल्फा 1,4, बीटा 1,4 या 1,6, 1 ऐसा 1,3 कुछ भी कहा जा सकता है। तो जनरली सेलुलोज जो होता है उसमें बीटा 1,4 है, स्टार्च में अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6, वैसे ही ग्लाइकोजन में भी अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6, ये दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं। आगे बायो मॉलिक्यूल्स में आपको पढ़ाने वाला हूं तो उसमें थोड़ा सा इसको और क्लियर कट आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। और अभी फिलहाल हम इतना ही समझते हैं कि सेलुलोज में जो ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो इस तरह से बना होता है। एक और चीज आप जो सुनते हैं वो ये कि जो सेलुलोज है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाते। इसको ब्रेक करने के लिए एक अलग से एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं सेलुलेज एंजाइम, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम। और सेलुलेज एंजाइम हम लोग सिक्रीट नहीं कर सकते, एनिमल्स जो दूसरे कैटल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं, लेकिन उनमें वो खुद ही सिक्रीट नहीं करते, बल्कि कुछ बैक्टीरिया के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं जो उनके इंटेस्टाइन में रहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, सीकम में, और कुछ रहते हैं स्टमक में, वो सिक्रीट करते हैं सेलुलेज एंजाइम को, इसलिए वो सेलुलोज को पचा पाते हैं। हम लोगों का जो सीकम है वो वेस्टिजियल है, उसमें बैक्टीरिया काम नहीं करते हैं और हम सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं, ठीक है। बाकी जानवर लोग इसको पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन, है ना। तो अभी मैंने ये वाला जो आपको पिक्चर दिखाया था कि 6000 मॉलिक्यूल इस तरह से बीटा 1,4 के द्वारा जुड़ते जाते हैं, 6000 मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ जाते हैं, है ना, तो एक चेन बनता है, फिर ऐसे 100 चेन से माइसिली, फिर 20 माइसिली जुड़ के माइक्रोफाइब्रिल, और ऐसे 250 माइक्रोफाइब्रिल जुड़ के मैक्रोफाइब्रिल बनाते हैं, और मैक्रोफाइब्रिल मैट्रिक्स में ऐसे धंसे होते हैं, और उससे फिर ये सेल वॉल बना हुआ है। ये जो सेल वॉल आप देखते हैं, है ना, ये सेल वॉल उसी से बना हुआ है, ये पूरा, ठीक है, उसी तरह के स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो इन मटेरियल्स के अलावा जो मैट्रिक्स है उसमें एक तो हेमी सेलुलोज होता है, पेक्टीन होता है ना, बाद में उसमें लिग्निन है, सुबेरिन है ना, ये सब चीजें डिपॉजिट होते चले जाते हैं, तो उससे सेल वॉल ज्यादा हार्डर हो जाता है, परमेबल या इम्परमेबल जो भी रहता है वो रह जाता है, इस तरह से उसमें चेंजेस आते चले जाते हैं। तो जो मैंने अभी स्ट्रक्चर सेल वॉल का बताया था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप अभी वीडियो को, इसके बाद जो है ये अपलोड हो जाता है, वीडियो आपको बाद में मिल जाता है, तो आप यहाँ स्टिल करके इसको एक बार पढ़ लेना, वही चीजें मैंने आपको इसमें डिटेल बता दिया है। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स हैं उनमें सेलुलोज का बना होता है सेल वॉल, बैक्टीरिया का सेल वॉल, ब्लू ग्रीन एल्गी का सेल वॉल, ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का मतलब होता है एमिनो शुगर्स, है ना। और फंगस का सेल वॉल काइटिन का बना होता है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है। ये सारी चीजें मैं आपको पिछले क्लास में भी बताया था, स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है। ये एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, स्केमेटिक डायग्राम है एक प्रकार से आप कह सकते हैं, है ना। तो बाहर आप देख सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट टाइप का ये एक लेयर दिख रहा है आपको, ये मिडिल लेमिली है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं
कि ऐसा बीच में ऐसा मोटा सा ऐसा जो लेयर दिख रहा है प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल यही बनते चले जाते हैं, उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो येलो कलर का दिख रहा है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये मेनली सेल वॉल है, और सेल वॉल में जैसा हमने अभी तक देखा है, ये देखिए ये जो फाइबर्स हैं ये आपको दिख रहे हैं फाइबर्स इस तरह है ना, ये फाइबर्स दिख रहे हैं माइक्रोफाइबर्स, और ये जो पिंक कलर में जो दिख रहे हैं ये पेक्टिन के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो अलग से ये इस तरह के जो लेयर दिख रहे हैं ये ग्लाइकेन लिखा है, ग्लाइकेन का मतलब एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट है जो मॉलिक्यूल्स को बांधने का काम करते हैं दूसरे दूसरे जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और ये मैक्रोफाइब्रिल माइक्रोफाइब्रिल ये दिख रहे हैं आपको इसमें, ठीक है। तो इस तरह से बना हुआ है सेल वॉल, ये शायद अब आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिडिल लेमेली के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल लेमेली है वो ठीक दो सेल्स के बीच में है, दोनों सेल के सेल वॉल को आपस में जोड़ा हुआ है, चिपकाया हुआ है, और ये बना हुआ है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का। इसमें कैल्शियम पेक्टेट मेन होता है, मैग्नीशियम पेक्टेट कम होता है। और अगर आप एनसीईआरटी के पढ़े होंगे, मैंने सारे वीडियोस बना दिए एनसीईआरटी के, आप उसको जरूर देख लेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि ये केवल कैल्शियम पेक्टेट का लिखा हुआ है वहां पर, लेकिन एक्चुअली मैग्नीशियम भी होता है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये आपस में जोड़ने का काम करता है। जो कच्चे फल होते हैं मैंने बताया था उसमें ये जो मिडिल लेमेली है उसी कारण से वो हार्ड होते हैं, और जब ये मिडिल लेमेली डिजॉल्व हो जाता है पेक्टिनेज एंजाइम के द्वारा तो फिर वो सॉफ्ट हो जाते हैं जो फ्रूट्स हैं, है ना। उसके बाद प्राइमरी वॉल के बारे में बताया था कि मेरिस्मेटिक सेल है और पेरेन्काइमेटस सेल है, इनमें सिर्फ प्राइमरी वॉल होते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं होते हैं। मेरिस्मेटिक सेल में तो प्राइमरी वॉल भी बहुत पतली नहीं के बराबर होती है, जो डिवीजन करते हैं उन्हें मेरिस्मेटिक सेल कहते हैं, विभज्योतक मेरिस्मेटिक सेल। और पेरेन्काइमेटस सेल जो प्लांट में जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं जैसे कि लीव्स होते हैं, कॉर्टेक्स होते हैं, मेडुला होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनमें पेरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं। और पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होने के कारण से उनमें सेल वॉल बहुत पतली होती है, और उनमें दूसरे कोई और मटेरियल डिपॉजिट नहीं होता है, जैसे लिग्निन है, पेक्टिन है, सुबेरिन है, ये डिपॉजिट नहीं होते हैं। तो ये प्राइमरी सेल वॉल है जो पेरेन्काइमेटस और मेरिस्मेटिक सेल में है। उसके अलावा जो है कोलेन्काइमेटस सेल है और स्लेन्काइमेटस सेल है। तो जो कोलेन्काइमेटस सेल है उसकी सेल वॉल में पेक्टिन का एक्स्ट्रा डिपोजिशन होते चले जाता है, पेक्टिन ज्यादा डिपॉजिट होते चले जाता है, इसके कारण से थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी काफी हद तक सेल जो है जिंदा रह जाता है, उसमें ट्रांसपोर्ट जो है बना हुआ रहता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और सेल वॉल ट्रांसपोर्ट बना हुआ रहता है। तो कोलेन्काइमेटस सेल्स ज्यादातर जिंदा रहते हैं, और एपिडर्मिस और उसके नीचे कुछ लेयर कॉर्टेक्स के वो हाइपोडर्मिस कहते हैं, वो बना होता है कोलेन्काइमेटस का। यानी कि अगर आप यंग प्लांट देखेंगे डाइकॉट प्लांट और उसके स्टेम देखेंगे तो थोड़ा सा मुलायम रहता है ना, ऐसे सॉफ्ट रहता है, लेकिन एकदम आसानी से टूटता भी नहीं है, तो वो कोलेन्काइमेटस का बना होता है। और तीसरा होता है स्लेन्काइमेटस, ये काफी हार्ड टिश्यू होते हैं, जैसे कि आप नारियल तोड़ते हो तो जो हिस्सा तोड़ते हो आप एंडोकार्प मार मार के वो बना हुआ है, या फिर बादाम है, अखरोट है, ये आप तोड़ते हो तो वो बना हुआ है स्लेन्काइमेटस का। इसके अलावा जो जाइलम के वेसल्स हैं, ट्रेकिट्स हैं, वो स्लेन्काइमा के बने हुए हैं। ज्यादातर जो फाइबर्स हैं प्लांट्स में जो पाए जाते हैं मजबूती के लिए, जो जाइलम के साथ पाए जाते हैं, वो स्लेन्काइमेटस है। तो स्लेन्काइमेटस की विशेषता है कि उनकी जो सेल वॉल है उसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। अभी मैंने कोलेन्काइमेटस में पेक्टिन बताया है, ध्यान रखेंगे, है ना, स्लेन्काइमेटस में लिग्निन, और लिग्निन जो है सेल वॉल को बहुत हार्ड कर देता है, बहुत स्ट्रांग कर देता है, और वो सेल डेथ हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है, सेल डेड हो जाता है, ठीक है। और जहां जहां मैंने बताया वहां पर स्लेन्काइमेटस सेल्स है। एक और चीज जो होता है वो डिपॉजिट होता है वो सुबेरिन है, और सुबेरिन क्या है, ये भी एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड टाइप का मटेरियल है, फास्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड टाइप का, फास्फो नहीं ग्लाइकोलिपिड टाइप का मटेरियल है जिसमें लिपिड का पार्ट ज्यादा है। और सुबेरिन जिस सेल में डिपॉजिट होता है उसे कॉर्क सेल कहते हैं। आपको ध्यान आ रहा होगा पिछले क्लास में मैंने कॉर्क के बारे में बताया है, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क पे स्टडी किया था। एक छाल होती है, बार्क होती है प्लांट की, जिसको ओक कहते हैं, कोर्कस शुबर ओक, उसकी मोटी सी छाल होती है वो कॉर्क कहलाती है। तो उसके सेल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं सुबेरिन, और सुबेरिन के कारण से वो सेल एक तो उनकी डेथ हो जाती है ना, दूसरा वो वाटरप्रूफ बन जाते हैं, तीसरा कि वो ठीक है। आप लोगों को आ रहा है नहीं साउंड, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है ना सबको? यस यस लिखेंगे अगर सबको साउंड और ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है तो आप बताएंगे मुझे, ठीक है।
कोई दिक्कत हो तो आप जरूर यहाँ लिखेंगे कि सर कनेक्टिविटी दिक्कत है या सही साउंड नहीं आ रही है या वीडियो सही नहीं आ रही, तो आप मुझे जरूर लिख के बताएंगे तो मैं कुछ करूंगा यहाँ पर। वैसे तो मैंने हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ रखा है तो शायद आपको क्लियर कट आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि जो सुपेरिन डिपॉजिट हो जाता है तो सेल जो है वो डेड डेड हो जाते हैं, लेकिन सेल थोड़े सॉफ्ट रहते हैं और थोड़े लाइट वेट हो जाते हैं। ये आपने देखा होगा कई बार, वो बॉटल वगैरह में से कैप लगा होता है, लकड़ी टाइप का एक कैप लगा होता है देखना, है ना, ये शैंपेन वगैरह में से, है ना, ऐसे सॉफ्ट थोड़ा सा होता है, ऐसे पक से खोलते हैं, तो वो होता है कॉर्क। और क्रिकेट में कॉर्क बॉल पहले खेलते थे, अब तो ड्यूस बॉल से खेलते हैं, कॉर्क बॉल से खेलते थे पहले, तो भी काफी मजबूत बॉल बॉल बन जाता था, तो कॉर्क से ही बनता था वो। तो बहुत सारे यूज होते हैं सुबेरिन वाले कॉर्क का, है ना, तो बहुत सारी चीजें वहां पर डिपॉजिट हो जाती हैं। तो ये प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल के बारे में आपसे बात कर रहा था। तो जनरली जो सेकेंडरी वॉल है ये थोड़े से बाद में डिपॉजिट होते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं, मेरिस्मेटिक सेल में नहीं होते जनरली, ये कोलेनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल में ही सेकेंडरी वॉल डेवलप होते हैं। ठीक है, इसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन तीनों चीजें ज्यादा पाई जाती हैं। इसकी थिकनेस 5 से 10 माइक्रॉन मैंने बताया है, और थिकेस्ट वॉल है सेकेंडरी वॉल, ये भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद टर्शरी वॉल काफी पतली होती है भी, इसमें हेमी सेलुलोज और जाइलेन होते हैं, जाइलेन मतलब जाइलोस का पॉलीसेक्राइड है, जाइलोस इज वेरी मच सिमिलर टू ग्लूकोज। ठीक है, बताऊंगा मैं आगे जब आपको बायोमॉलिक्यूल पढ़ाऊंगा, तो जाइलोस, मैनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं आपको। ठीक है, और टर्शरी वॉल जो है फाउंड इन ट्रेकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म ओनली, ठीक है ध्यान रखेंगे, और ये सेकेंडरी थिकनिंग कहलाती है। ठीक है, और सेकेंडरी टर्शरी दोनों जो है जनरली, ट्रेकिड्स मतलब क्या है पता है ना, ये जाइलम के पार्ट है, ट्रेकिड और वेसल जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म जैसे पाइनस है, साइकस है, उनके ट्रेकिड्स में पाए जाते हैं ये। प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में मैंने आपको बताया कि ये छिद्र है, पोर्स है सेल वॉल के आर पार, और उससे मटेरियल्स का एक्सचेंज हो जाता है एक से दूसरे सेल में। ठीक है, और इसमें ई आर ट्यूब्यूल मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो ये काम करने में मदद करते हैं, इनको डेस्मोट्यूब्यूल्स कहते हैं, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये टर्मिनोलॉजी पूछ सकता है आपको। इस साल जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि नीट और एम्स दोनों को कंबाइंड कर दिया है, इसलिए क्या पूछेगा, केवल एनसीईआरटी पूछेगा या थोड़ा ज्यादा डिटेल में पूछेगा, वो इस साल का नीट, अभी तो ऐसे डेट दिया है 23 जुलाई, हालांकि मुझे लग नहीं रहा है कि 23 जुलाई को ये नीट करा पाएंगे, क्योंकि अभी भी भारत में कोरोना इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि 23 जुलाई को नीट हो जाता है तो अपन देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन इस साल पूछता है। पहली बार होने वाला है कंबाइन, तो किस लेवल में पूछेगा हमको भी ज्यादा अंदाज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और जो प्रोटोप्लाज्म है एक सेल से दूसरे सेल के आपस में जुड़े होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा, इस सिस्टम को सिम्प्लास्ट सिस्टम कहते हैं। सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट ये दो टर्म यूज करते हैं। तो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट है वो पूरा सिम्प्लास्ट पार्ट होता है, उसके अलावा जो बाकी पार्ट है, जो नॉन लिविंग पार्ट है, गैप्स वगैरह है, वो एपोप्लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये दो टर्म आप और ध्यान रखेंगे। थिकनिंग ऑफ सेल वॉल अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है कि सेल वॉल में कई चीजें डिपॉजिट होती चली जाती हैं, जैसे लिग्निन है, सुबेरिन है, पेक्टिन है। तो जनरली जो लिग्निन की थिकनिंग है, लिग्निन जो जमा होता है, तो ऐसे बराबर प्लास्टर के तौर पे जमा नहीं होता। जैसे हमारी ये जो दीवार है इसमें हमने सीमेंट की प्लास्टरिंग कराई है तो पूरा एकदम स्मूथ बराबर कराई है, वैसा नहीं होता, बीच बीच में छोड़ छोड़ के होता है। उसके कारण से इसकी जो शेप साइज है, शेप जो है उसकी, वो चेंज हो जाती है ना। तो देखिए किसकी शेप में ये बने हुए हैं, आपको अलग अलग दिखेंगे डिपोजिशन, तो एनुलर है, स्पाइरल है, स्केलेटी फॉर्म है, रेटिकुलेट है और पीटेड है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एनुलर का मतलब होता है ऐसे रिंग जैसा दिख रहा है आपको, देखिए ऐसे रिंग रिंग में बीच बीच में डिपॉजिटेड है, मतलब यही लिग्निन है, बाकी लिग्निन नहीं है, ऐसा है, तो ये एनुलर है। स्पाइरल में से सांप जैसा बना हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पाइरल है, ये भी स्पाइरल है, दूसरा वाला भी। ठीक है, थोड़ा सा इसके टाइप में अंतर है लेकिन है स्पाइरल। तीसरा वाला है स्केलरी फॉर्म, ये थोड़ा स्पेलिंग इसमें फोटो में गलत लिखा है, स्केलरी फॉर्म होता है, आर आई होता है, स्केलरी फॉर्म। ये दो स्केलरी फॉर्म है। ठीक है, ये तीसरा वाला भी ये स्पाइरल ही है, ऐसे ऐसे दिख रहा है, स्पाइरल ही है, ये स्केलरी फॉर्म है, यस ये स्केलरी फॉर्म है। इसमें आप देख सकते हैं कि सीढ़ी जैसा दिख रहा है, सीढ़ी लगा हुआ जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये स्केलरी फॉर्म हुआ, सीढ़ी जी है ना। और उसके बाद है रेटिकुलेट,
रेटिकुलेट का मतलब होता है जाल जैसा, ऐसे जाल जैसा बना हुआ है ऐसे, ठीक है, रेटिकुलेट टाइप का जाल जैसा बना हुआ है। उसके बाद पीटेट है, देखिए पीटेट, पीटेट मतलब गड्ढे जैसे रहेंगे, ऐसे गड्ढे के चारों तरफ रहेंगे ऐसे, और गड्ढे के चारों तरफ ज्यादा मोटे लेयर बन जाते हैं तो बॉर्डर पिट कहलाएंगे, नहीं तो सिंपल पिट कहलाएंगे, इस टाइप के हो जाते हैं। तो ये अलग अलग शेप में प्लास्टरिंग की हुई है, डिपोजिशन की हुई है इनके सेल वॉल के मटेरियल्स का, ठीक है। तो ये इस तरह से डिपोजिशन आपको लिग्निन वगैरह का देखने को मिलता है। तो ये सब शेप के नाम मैंने दोबारा लिख दिए हैं यहां पर, आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये लिग्निफिकेशन है, लिग्निन का डिपोजिशन होना, मैंने बताया सेल की डेथ हो जाती है और सेल बहुत मजबूत हो जाता है, और ऐसे सेल को हम स्क्लेनकाइमेटस सेल कहेंगे जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। तो ये पूरा लिख दिया मैंने। जाइलम में ट्रेकिड्स हैं, वेसल्स हैं, फाइबर्स हैं। ये ट्रेकिड और वेसल क्या है, ये दोनों ट्यूब्स हैं और उनके वॉल में डिपॉजिट हो जाते हैं ताकि मजबूत हो जाए। एक और चीज समझ लीजिए, प्लांट्स की जो लकड़ी है, वुड है, उसकी अलग अलग मजबूती होती है। आपने सुना होगा कि सागौन जो होता है, टिक टिक वुड, वो काफी मजबूत होता है। उसके बाद शीशम है ना, देवदार है, पाइनस है ना, ये बहुत मजबूत लकड़ी होते हैं। तो मजबूती किस आधार पे है पता है? मजबूती इस आधार पे है कि उसमें वेसल्स कितने डेवलप हुए, ट्रेकिड्स कितने डेवलप हुए हैं। जितने ज्यादा वेसल्स और ट्रेकिड्स डेवलप होते हैं, वुड उतना ज्यादा मजबूत होते चले जाता है, क्योंकि यही है जो स्क्लेनकाइमेटस सेल्स हैं और इनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है और ये मजबूत होते हैं। इसके अलावा जो स्क्लेनकाइमेटस फाइबर्स हैं वो भी लकड़ी को मजबूती देते हैं, लेकिन मेनली उसमें जाइलम के ट्रेकिड्स और वेसल्स जितने डेवलप होते चले जाएंगे वो मजबूत प्लांट होता चला जाएगा। लेकिन जिस प्लांट की लकड़ी में पेरेनकाइमेटस सेल ज्यादा होते हैं, कॉर्टेक्स ज्यादा होता है, मेडुला ज्यादा होता है, ये सब पेरेनकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं, वो लकड़ी कम मजबूत होता है। इसीलिए देखिए कि पाइनस का लकड़ी जो पाइनस और साइकस, ये दोनों जिम्नोस्पर्म में आपको पता होगा, पाइनस की लकड़ी बहुत मजबूत है, लेकिन साइकस बहुत मोटा बहुत लंबा प्लांट हो जाता है, लेकिन उसकी लकड़ी बहुत कमजोर बहुत मुलायम होती है, क्योंकि एक में जाइलम के वेसल्स ट्रैकेट्स ज्यादा हैं और दूसरे में पेरेनकाइमेटस सेल्स ज्यादा हैं, इसलिए वो मजबूत और जो है कम मजबूत होते चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपल पिट्स और बॉर्डर पिट मैंने आपको बताया। सिंपल पिट का मतलब है जिसके चारों तरफ ज्यादा लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता, वो सिंपल पिट है। लेकिन बॉर्डर पिट में इसके चारों तरफ लिग्निन का ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है, और ये पिट मतलब वही गड्ढे हैं, वही छिद्र हैं जिससे पानी या दूसरे मटेरियल आर पार जा सकते हैं, और बॉर्डर पिट जो है काफी मजबूत हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी इस पिक्चर को दिखाया है, सिंपल पिट और बॉर्डर पिट है ना, ये देख सकते हैं बॉर्डर पिट किस तरह से बना हुआ है ना, तो मजबूती के लिए बॉर्डर पिट हो जाता है। सुबेराइजेशन भी अभी मैंने आपको बताया कि सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, कार्क सेल में होता है ना, और वो लाइट वेट और वाटरप्रूफ हो जाता है। क्यूटीन का डिपोजिशन होने से सेल्स थोड़े से मजबूत हो जाते हैं, लेकिन सेल की डेथ नहीं होती, क्यूटीनाइज सेल, क्यूटीन है, पेक्टीन है इनके कारण से, है ना, ये कोलेनकाइमेटस सेल्स में होते हैं। अब एक यहां पर लिखा है क्यूटिकुलराइजेशन, इसको ध्यान रखेंगे, क्यूटीनाइजेशन और क्यूटिकुलराइजेशन, ये दोनों अंतर है। क्यूटीन अलग चीज है, क्यूटिकिल अलग चीज है। क्यूटिकिल क्या चीज है, देखिए क्यूटिकिल एक वैक्सी सब्सटेंस है, वैक्स जैसा चीज है, ठीक है, एल्कोहल का बना हुआ और हाई डेंसिटी लिपिड का बना हुआ, यानी वैक्स है। तो क्यूटिकिल कहीं पर डिपॉजिट है किसी प्लांट के सरफेस में, तो वो प्लांट से इवेपोरेशन को रोकता है, मतलब पानी को भाप बन के उड़ने से रोकता है, ट्रांसपिरेशन को रोकता है। इसलिए क्यूटिकल जो है उन प्लांट्स में ज्यादा मोटे लेयर के रूप में रहता है जो प्लांट्स ज्यादा ड्राई एरिया में रहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि मीजोफाइट प्लांट है, वहां पर क्यूटिकल पतला रहेगा, क्यों, क्योंकि वहां पर पानी जमीन में काफी पर्याप्त मात्रा में रहती है, तो प्लांट को पानी की कमी नहीं रहती। लेकिन जैसे जैसे आप सूखे एरिया में चले जाते हैं, वहां के प्लांट्स में क्यूटिकल का लेयर मोटा होता चले जाता है। कारण है उसके कि वहां पर पानी कमी रहती है तो इवेपरेशन को रोकना चाहते हैं, इसलिए जितने डेजर्ट प्लांट हैं उनमें क्यूटिकल का मोटा लेयर रहता है, मीजोफाइट में बहुत पतला, और एक्वेटिक प्लांट में तो बिल्कुल ये रहता नहीं है, ठीक है। म्यूसिलेज देखिए, जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनके सरफेस में म्यूसिलेज का डिपोजिशन हो जाता है, विशेषकर एल्गी में तो आप जरूर देखेंगे, स्पायरोगायरा है, यूरोथ्रिक्स है। तो म्यूसिलेज क्या करता है कि एक तो पानी को एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा रखता है, और जब पानी सूखने लगता है तालाब में गड्ढे में, तो काफी समय तक वो उसको जीवित बनाए रखने में, लिविंग बनाए रखने में मदद करता है म्यूसिलेज, ठीक है। सिलिका क्या होता है, देखिए सिलिका मतलब रेत, आपको मालूम है SiO2 सिलिका, ठीक है, SiO2 या रेत होता है एक प्रकार से। तो अगर सिलिका कहीं पर डिपॉजिट है किसी प्लांट में,
या जैसे कि ग्रासेस हैं उनमें सिलिका का डिपॉजिट है, तो जो एनिमल्स हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, उसको खाना पसंद नहीं करते, उस घास को नहीं खाना पसंद करते, क्योंकि उसको जैसे ही वो चबाते हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे उसमें वो रेत है टाइप का, रेत चबा रहे हैं जैसा लगता है ना, तो इसलिए वो उसको खाना पसंद नहीं करते हैं। तो सिलिका जिसमें डिपॉजिट रहता है वो काफी जो है सेफ हो जाता है ग्रेजिंग एनिमल्स से, तो सिलिका का डिपोजिशन होता है। और इसके अलावा ये इक्विसीटम जो मॉस है और एट्रोपा बेलोडोना, ये इससे दवाई बनती है। डाइटम्स ये आपके समुद्र में भी और फ्रेश वाटर में भी, डाइटम्स ये यूनिसेलुलर एल्गी है एक प्रकार से, ये पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें पाए जाते हैं सिलिका, ठीक है। इंटरप्शन हो रहा है, अब इंटरप्ट कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, नेट तो सही चल रहा है लग रहा है। नेट तो ठीक लग रहा है फिर इंटरप्ट क्यों हो रहा है, चलिए अभी थोड़ा सा बताइएगा आप, इसके बाद थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं है ना, आ रहे हैं कि नहीं। ये मैंने ब्रॉडबैंड से एक बार दूसरे ब्रॉडबैंड से जोड़ा है ना, मोबाइल मैंने आइडिया से जोड़ा था पहले, आइडिया ठीक चलता है करके, ठीक है। टू मच इंटरप्शंस, अरे देख लेते हैं। स्तुति मेरा वाला मोबाइल ला, अरे लेकिन उसमें तो, अरे इंटरप्ट हो रहा है आज बहुत ज्यादा बता रहे हैं बच्चे, देख तो उसमें आइडिया से जोड़ते फिर से, अभी मैंने उससे जोड़ा था, ऊपर से ऐसे स्लाइड करना उसको, दिख रहा है एयरटेल उसको, हाँ एयरटेल से अभी जुड़ा है, लेकिन फिर से आइडिया से जोड़ उसको, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, इसको पहले वो कर लूँ, इससे जोड़ बोल रहे हो हाँ ना, उससे, लेकिन उसमें पासवर्ड नहीं डाला है, डाल पाएगी, भूल गया था पासवर्ड डालना उसमें, डाल पाएगी क्या, देख तो, शो नहीं कर रहा है। सो करेगा ना, देखना थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ दूसरे से। इसमें ठीक चल रहा था क्या अभी जब तू पढ़ रही थी तो? मैं उसमें से पढ़ रही थी अपने टेबल में से, इसमें आप चार्जिंग वाले को बोले थे। हाँ नहीं तो अभी आ रहा था ठीक, मेरे से पढ़ रही थी अभी हाँ बैठी थी तो ठीक आ मैं, रहा था उसमें सिग्नल, रुक हाँ रुक, कि मेरा पीछे हो जा रहा था, डाउनलोड हो रहा था तो उसमें अच्छे से चल नहीं रहा था ना। वो सभी के साथ वही प्रॉब्लम हो रहा है, लिख रहा है ना, बहुत बच्चे छोड़ दिए इसलिए, 7-8 बच्चे ही जुड़े हुए हैं, इंटरप्ट होने लगता है छोड़ देते हैं बच्चे, दिक्कत वही है, साला इंटरनेट की बड़ी दिक्कत है यार यहाँ तो, नहीं हो पा रहा है कनेक्ट, आऊँ क्या, सिम को लगा देना मेरे को, जियो का, जियो में दिखा रहा है, दिखा दे एक मिनट कितना आ रहा है कनेक्टिविटी, नहीं कनेक्ट हो पाया, क्या देख रही थी इतना देर से, कर क्या रही है मुंडी को नीचे कर, कनेक्ट हुआ, नहीं चलेगा लग रहा है, हाँ अब आ रहा है क्या, आप लोग देखिए जरा सा, देख के बताइए कैसा आ रहा है ना, कनेक्टिविटी आई क्या आप लोगों के मोबाइल में, थोड़ा देख के बताएंगे, आ रही है, थोड़ा सा देख के जल्दी बताएंगे मुझे कैसा हो रहा है, कनेक्टिविटी ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, देखते तेरे वाला लेके तो चल रहा है कि नहीं,
नहीं आ रही कनेक्टिविटी इसमें, उसको कर दो, उसमें वापस कर दो, ये ऑन फाइव में, ऑन फाइव में कर। सब बच्चे छोड़ दिए लग रहा है यार, बड़ा दिक्कत है। आ गया, चलिए ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि कनेक्टिविटी आ गई है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं, काफी बच्चों का डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं थोड़ा सा बताएंगे मुझे देख करके कि सही आ रहा है कि नहीं, है ना। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, लग रहा है सही आ रहा है। तो अब है ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल को ग्रोथ कैसे होता है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, आ रही है कनेक्टिविटी, आप लोग बताएंगे, नहीं आ रही है, देख के आप लोग बताएंगे कनेक्टिविटी आ रही है कि नहीं, है ना। डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है आज, आ रही है, चलिए ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल कैसे ग्रो करता है। ठीक है, दो प्रकार से ग्रो करता है, एक इंट्रू ससेप्शन और एक एपोजिशन। इंट्रू ससेप्शन क्या है, देखिए मान लो कोई सेल ग्रो कर रहा है, प्लांट सेल ग्रो कर रहा है इस तरह से, ठीक है, ये प्लांट सेल है, ये ग्रो कर रहा है। तो ग्रो करने पर इसके सेल वॉल बीच बीच से ब्रेक हो जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है। अब ये फटे हुए हिस्सों में, जो ब्रेक ब्रोकन हिस्से हैं, उनमें नए जो सेलुलोज के मटेरियल्स हैं वो डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, और अब ये ग्रो करके बड़ा हो गया। तो इस टाइप का जो ग्रोथ है उसे हम कहते हैं इंट्रू ससेप्शन। लेकिन अगर अंदर से इसके लेयर्स बढ़ते चले जाते हैं और सेल वॉल ग्रो करते चले जाता है, तो इसे हम कहते हैं एपोजिशन, ठीक है। एक्रीशन और इंट्रू सब्सेप्शन, ये दो प्रकार से सेल वॉल ग्रो करता है, ठीक है। कौन कौन जुड़े हुए हैं आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको सही कनेक्टिविटी मिल रही है कि नहीं। ठीक है, लग रहा है सब बच्चे का डिस्कनेक्ट हो गया यार, बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग बाद में जुड़ते जाएंगे तो देखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब है इंटर सेलुलर स्पेसेस, सेल्स के बीच बीच में बहुत सारा स्पेस डेवलप हो जाता है, उसे हम कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेसेस। खाली जगह बन जाते हैं सेल्स के बीच बीच में, जिनको हम कैविटीज कहते हैं, ठीक है। फाउंड इन ओल्ड सेल्स, जो पुराने टिश्यूज रहते हैं उनके बीच बीच में इंटर सेलुलर स्पेसेस बन जाते हैं। ये जो कैविटीज जो बन जाते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लाइसोजीनस कैविटीज, दूसरे होते हैं साइजोजीनस कैविटीज, और तीसरे होते हैं साइजो लाइसोजीनस कैविटीज। तीन प्रकार के कैविटीज यहां पर डेवलप हो जाते हैं। तो तीनों को आप समझ लीजिए, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। जैसे बहुत सारे सेल्स हैं, इनमें से कुछ सेल्स डिजॉल्व हो गए, नष्ट हो गए, मान लो इतने सेल्स नष्ट हो गए, तो यहां पर एक कैविटी बन जाएगा। तो सेल्स के डिजॉल्व होने से, सेल्स के नष्ट हो जाने से जो कैविटी बन जाते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइसोजीनस कैविटी, ठीक है। लेकिन अगर सेल्स खिसक जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, सेल्स दूर दूर चले जाते हैं और बीच में कोई स्पेस बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं साइजोजीनस कैविटीज, ठीक है। सेल के डिजॉल्व होने से लाइसोजीनस और सेल के खिसक जाने से साइजोजीनस, ये दो प्रकार के कैविटीज यहां पर बन जाते हैं। तीसरे प्रकार के होते हैं साइजोलाइसोजीनस, मतलब कुछ तो सेल्स स्प्लिट भी कर जाते हैं और कुछ सेल्स डिजॉल्व हो जाते हैं, इसके कारण से कोई कैविटी बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं साइजोलाइसोजीनस कैविटी, ठीक है। तो इन सबको हमने यहां पर लिखा है, इनके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। सेल्स के डिजॉल्व होने से जो बनता है वो साइट्रस की कैविटी है। साइट्रस की कैविटी कहां पर मिलेंगी, जैसे नींबू है, संतरा है ना, इनमें क्या होता है, देखिए उनके जो छिलके होते हैं उनमें छोटी छोटी कैविटीज होती है, उनमें ऑयल्स भी भरा होता है, ऑयल, है ना। ऐसे आंख में से निचोड़ देने से आंख दर्द भी करता है, आप देखे होंगे, या जलन होती है, वो वाली, है ना। तो उसकी जो कैविटी है वो लाइसोजीनस कैविटी है। साइजोजीनस कैविटी आपको मिलेगा पाइनस में, रेजिन कैनाल्स इन पाइनस, ये पाइनस है, पी आई है ना, ये पी एल लिखते हैं, पी आई, पाइनस, रेजिन कैनाल्स इन पाइनस। देखिए आप एक तारपीन तेल जानते होंगे, तारपीन तेल, टर्पेंटाइन ऑयल, वो हम पेंट्स वगैरह जब करते हैं दरवाजे वगैरह में तो उसमें मिलाते हैं, तारपीन तेल, मिट्टी तेल जैसा होता है, केरोसिन ऑयल जैसा, वो जो तारपीन तेल है वो एक प्रकार का रेजिन ऑयल है ना, वो निकलता है पाइनस के प्लांट से। तो वो जो कैविटीज है जो रेजिन सिक्रीट करते हैं वो होते हैं साइजोजीनस कैविटी, है ना, ये पाइनस में पाए जाते हैं, पाइनस के स्टेम में पाए जाते हैं। और तीसरा है साइजोलाइसोजीनस कैविटी, जो कुछ सेपरेशन से, कुछ डिजॉल्यूशन से बनते हैं,
कैविटी इन मैज प्रोटोजाइलम, ये है मैज का जो प्रोटोजाइलम है, मैज मतलब मक्का आप जानते हैं, उसके प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दो टाइप होते हैं जाइलम के। प्रोटोजाइलम थोड़ा प्रिमिटिव जाइलम होता है, मेटाजाइलम थोड़ा सा एडवांस जाइलम होता है, थोड़े से ज्यादा मोटे ट्यूब्स होते हैं मेटाजाइलम के। हालांकि ये दोनों प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम दोनों प्राइमरी जाइलम के ही पार्ट है ना, सेकेंडरी जाइलम के पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़े से मोटे और पतले हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ठीक आ रहा है, बता रहे हैं काफी बच्चे है ना, राजेंद्र है, स्तुति है, निकिता है, अब ठीक आ रहा है। बाकी कई बच्चों का डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है, तो थोड़ी सी कोई बात नहीं है, वो लोग कनेक्ट हो जाएंगे बाद में। तो ये तीन प्रकार की कैविटीज मैंने आपको बताया, लाइसोजीनस, साइजोजीनस और साइजोलाइसोजीनस कैविटी, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल का काम क्या है? तो सबसे पहला काम है मजबूती देना, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। प्लांट की जो मजबूती होती है, आप किसी भी लकड़ी को आप छू के देखते हैं, मजबूत आपको महसूस होता है, तो वो आपके सेल वॉल के कारण से होता है। ठीक है, तो ये प्रोटोप्लाज्म को, सेल मेम्ब्रेन को मजबूती देता है, प्लांट को मजबूती देता है। प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे प्लांट की, आपको मालूम है कि जो लॉन्गेस्ट प्लांट है वो करीब 100 मीटर लंबा है, आपकी हमारी हाइट करीब 1.5 मीटर लंबी हाइट है हम लोगों की, और वो प्लांट 100 मीटर तक लंबी है। तो इतनी लंबी प्लांट है, इतना वजन है प्लांट का, तो सारी मजबूती जो है वो सेल वॉल के कारण से होती है, उसके डिपोजिशन के कारण से होती है। तो एक तो प्रोटोप्लाज्म को, सेल को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा, सेल वॉल जो है सेल को एक पार्टिकुलर साइज और शेप प्रोवाइड करता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, इसी कारण से उसकी शेप साइज जो है वो फिक्स नहीं हो पाती है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना, और सेल वॉल इज परमेबल, सो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो परमेबल है, प्लाज्मोडेस्माटा है उसमें, मैंने आपको बताया पोर्स होते हैं, उसके कारण से एक सेल से दूसरे सेल में वो ट्रांसपोर्ट करते रहता है मटेरियल्स को। ठीक है, एक और है एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन, जो रूट्स के द्वारा हो रहे हैं ज्यादातर चीजें, और लीव्स के द्वारा हो रहे हैं, वो सारी चीजें सेल वॉल से होती हुई होती हैं। उसमें स्टोमेटा भी पाए जाते हैं जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। ठीक है, मिडिल लैमिला, ये काफी मजबूत चीजें हैं, आपको पता है, जैसे मैंने बताया कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का बना है। तो ये प्लांट में जो नेचुरल एंजाइम है वो पेक्टिनेज एंजाइम है, जिसके कारण से डिजॉल्व होता है। अगर बाहर में आप किसी केमिकल से उसको डिजॉल्व करना चाहेंगे, तो वो केमिकल हो सकता है केवल स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, केवल स्ट्रॉन्ग एसिड ही मिडिल लैमेला को डिजॉल्व कर सकता है। बैक्टीरियल सेल को आप लेंगे, बैक्टीरियल सेल में पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना हुआ है, आपको पता है सेल वॉल, और अगर उसमें से बैक्टीरिया से सेल वॉल को रिमूव कर देते हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लिस्टर बैक्टीरिया या लिस्टर फॉर्म या एल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और इस बैक्टीरिया की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अब करीब करीब वो माइकोप्लाज्मा जैसा हो जाता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया में एक ही मेजर डिफरेंस है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड, जिसकी सेल वॉल, जिससे बनी हुई है सेल वॉल बैक्टीरिया की, म्यूकोपेप्टाइड या ग्लाइकोपेप्टाइडोग्लाइकॉन जिसको हम कहते हैं, इसमें दो एमिनो शुगर होते हैं मेनली, एक होते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एक होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो एनएजी और एनएएम, ये दोनों एमिनो शुगर हैं। एमिनो शुगर क्या होते हैं आप उसको समझिए पहले। आप ग्लूकोज अभी देखे थे कुछ देर पहले, मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बताया था। ठीक है, और उसमें अगर एक एमिनो ग्रुप जुड़ जाता है NH2 ग्लूकोज में, तो एमिनो शुगर हो जाता है। तो ऐसे एमिनो शुगर जहां अलग अलग जगहों पे जुड़ते हैं, इसलिए उनका नाम एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड नाम हम रखते हैं। तो इनसे जुड़ करके बनता है बैक्टीरिया का सेलवॉल, जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकॉन कहते हैं। सेलुलोज क्या है, मैंने आपको बताया था, सेलुलोज में ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं बीटा ग्लूकोज के, वो अनब्रांच्ड चेन के बने होते हैं, ध्यान रखेंगे, उसमें ब्रांचिंग नहीं होती। जबकि स्टार्च है और ग्लाइकोजन है, इसमें चेन की ब्रांचिंग होती है, सेलुलोज में ब्रांचिंग नहीं होती, और उसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है। ये बीटा यहां पर लिख लेंगे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहां पर होती है सेलुलोज के ग्लूकोज में। ठीक है, और सेलुलोज सिंथेटिस एंजाइम होता है, उसके द्वारा ये सेल इसको फॉर्म करते हैं सेलुलोज को। ठीक है, वॉइस कट हो रहा है बीच बीच में, ये आज थोड़ी सी इंटरनेट की प्रॉब्लम है
है ना, तो आप कंटिन्यू करिए, आपको समझ में आ जाएगा। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ये स्क्रीन रिकॉर्डर भी हमारा चल रहा है बोर्ड में, ये स्क्रीन रिकॉर्डर भी मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको सब कुछ क्लियर कट दिखेगा। तो बाद में एक बार आप इस वीडियो को एक बार और रिवाइज करके देख लेना, तो आपको सब कुछ बढ़िया समझ में जाएगा। अभी लाइव आप जरूर रहिए, लाइव रहने से क्या है आप कुछ भी पूछ सकते हैं बीच में, है ना, और ऐसा लगता है जैसे हम आमने सामने इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आप लाइव तो रहिए ही, बाद में आप इसको चाहें तो रिवाइज करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एक और चीज जो यहाँ पर सेल वॉल से जुड़ी हुई चीज है वो है सेल कोट यानी ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, देखिए सेल्स के ऊपर सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन में होता है, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन में होता है जनरली ये ग्लाइकोकैलिक्स। ये कार्बोहाइड्रेट का लेयर होता है और ये सेल की आइडेंटिटी बनाता है, मतलब सेल्स एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल, कोई फॉरेन सेल एंटर करता है, बैक्टीरिया है, वायरस है, या कोई दूसरा सेल एंटर करता है, तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई करता है और उसको किल करने की कोशिश करता है। तो जो सेल्स हैं वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो है उसके द्वारा, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसके द्वारा, ठीक है। तो पोजीशन कहाँ है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन मैनी प्रोटिस्टेंट्स, ठीक है। प्रोटिस्ट एनिमल कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिज्म आपके जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं, है ना, यूकेरोटिक। ये सियालिक एसिड, म्यूसिन और हाइलोरोनिक एसिड के बने होते हैं। ये चीजें क्या है, सियालिक एसिड, म्यूसिन, हाइलोरोनिक एसिड, इनमें से कुछ को तो मैं आपको बायो मॉलिक्यूल में पढ़ाने वाला हूँ। सियालिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, म्यूसिन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है और हाइलोरोनिक एसिड भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है। इनके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे आगे। और ग्लाइकोकैलिक्स का क्या काम हमने देखा, फंक्शन, ये एक तो सेल को शेप प्रोवाइड करता है और दूसरा ये माइक्रोब्स के रिकॉग्निशन में मदद करता है। हमारा शरीर इसी को देख के माइक्रोब को रिकॉग्नाइज करता है कि कोई बीमारी का बैक्टीरिया या कोई और चीज है, उसको फिर वो किल करता है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सुरक्षा करने में भी मदद करता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो इस तरह से ये एक लेयर और होता है ग्लाइकोकैलिक्स जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी प्रकार के सेल्स का, वायरस को छोड़ दें, सभी प्रकार के सेल्स में एक कंपलसरी लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंगस हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, यूकेरोटिक सेल हो, सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है। एक और विशेष बात यह है कि इन सभी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगभग एक जैसी होती है। बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक मीसोसोम करके स्ट्रक्चर होती है जो इनफोल्डिंग होती है, वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, लेकिन वो भी सिर्फ इनफोल्डिंग है, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ऐसे इनफोल्डिंग हो गया बस, ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जिसको मीसोसोम कहते हैं। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था मीसोसोम क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ये मीसोसोम एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है जैसे बैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका काम ये करता है मीसोसोम, ठीक है, ऐसा है। तो अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करना चालू करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले प्लाज्मा लेमा कहा था जे क्यू प्लोवर ने 1885 में, जे क्यू प्लोवर इन्होंने प्लाज्मा लेमा कहा था। नागेली इन्होंने इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था। नागेली इनका ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो प्लांट के टिश्यू में है, प्लांट के टिश्यू को ये और उसके मेरिस्मेटिक सेल पे ये काम किए थे, उसमें इनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है नागेली का। तो उन्होंने इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिनोट किया था और इसको यूनिट मेम्ब्रेन कहा था रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन का अभी हम मॉडल भी पढ़ेंगे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ रॉबर्टसन, तो उसमें इसको फिर से एक बार देखेंगे। तो यूनिट मेम्ब्रेन शब्द जो है रॉबर्टसन ने दिया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पे स्टडी किया था ओवरटोन ने, ओवरटोन ने, और कहा था कि ये केवल लिपिड का बना होता है। एक्चुअली जब भी सेल की स्टडी की जाती है, उसके मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की स्टडी की जाती है, तो ऐसा लगता है कि मेम्ब्रेन जो है पूरी तरह से लिपिड का बना हुआ है, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल को पास होने नहीं देता है और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल को पास होने देता है, मतलब वो हाइड्रोफोबिक है और लिपोफिलिक है। तो इससे ये अंदाज होता है कि शायद जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड का बना हुआ है। तो उसी को अंदाज लगाकर के ओवरटोन ने सबसे पहले लिपिड मॉडल प्रोवाइड किया था साइटोमेम्ब्रेन के लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है। एनिमल सेल में तो सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन ही होता है, कुछ एनिमल्स में यूनिसेलुलर में, मल्टीसेलुलर में भी कुछ
कुछ जगहों पे क्यूटिकल का एक लेयर पाया जाता है, जैसे आप यूनिसेलुलर में आप कहेंगे तो प्रोटोजोअन्स हैं बहुत सारे, उनमें क्यूटिकल का लेयर है, जैसे पैरामीशियम है, युग्लिना है, उनमें क्यूटिकल का लेयर है। मल्टी सेलुलर की बात करेंगे तो आपके अर्थवर्म में क्यूटिकल का लेयर है ना। इस तरह के कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि एस्केलमिंथीज के कुछ मेंबर्स हैं, एस्केरिस वगैरह हैं, उनमें क्यूटिकल का लेयर है। तो क्यूटिकल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक लिपिड का लेयर है और वो उसको मजबूती देता है, ठीक है, उसको हार्श कंडीशन में बचाए रखने मदद करता है। लेकिन ज्यादातर जो एनिमल सेल्स हैं उनके सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है। ये थीन होता है और सेलेक्टिव परमेबल होता है। देखिए, परमेबल, इम्परमेबल, सेमी परमेबल, ये नाम आप जरूर सुने हैं, जिससे कोई चीज पास नहीं होता, इम्परमेबल है, सब कुछ पास हो जाता है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो परमेबल है, और जिससे केवल लिक्विड पास होता है वो सेमी परमेबल है। लेकिन जो एनिमल सेल है उसका जो, या प्लांट सेल है उसका जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमेबल है। मतलब क्या कि सेल जिस चीज को बाहर भेजना चाहेगा उस चीज को बाहर पास कर देगा और जिस चीज को अंदर लेना चाहेगा उसको अंदर ले लेगा, मतलब सेलेक्ट करके लेगा, चाहे वो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हो चाहे वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, है ना, इसलिए वो सेलेक्टिव परमेबल है। जबकि सेल वॉल, आप ध्यान रखेंगे सेल वॉल हमेशा परमेबल है, बस ये है कि उसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है तो पूरी तरह से इम्परमेबल हो जाता है, लेकिन उसके सेल के अंदर की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो सेल वॉल परमेबल है, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल है, ठीक है। और कुछ ऐसे मेम्ब्रेन्स हैं जो शायद सेमी परमेबल भी है, जैसे कि अंडे का जो मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमेबल होता है, ठीक है, और पार्चमेंट पेपर का बना हुआ जो मेम्ब्रेन है वो भी सेमी परमेबल होता है, लेकिन ज्यादातर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमेबल है। फ्लेक्सिबल एंड पोरस है। फ्लेक्सिबल का मतलब उसका जो है इलास्टिक होता है वो, पोरस का मतलब छेद है, उसमें बहुत सारे छिद्र हैं जिसके कारण से बहुत सारे मटेरियल उससे आर पार पास होते रहते हैं, ठीक है, और लिपिड होने के कारण से इलास्टिक है। इसके बीच में जो फास्फोलिपिड का लेयर है, तीन लेयर होते हैं, बाहर प्रोटीन है, अंदर प्रोटीन है, और बीच में फास्फोलिपिड का लेयर है, ये यूनिवर्सल जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का। उसके अलावा बहुत सारी चीजें डिपॉजिट हो जाती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो फास्फोलिपिड का लेयर है उसके कारण से मेम्ब्रेन जो है ये है इलास्टिक भी है और लिपोफिलिक भी है, ठीक है। तो आप लोगों को अब आवाज वगैरह ठीक आ रही होगी मेरे को लग रहा है, ठीक है, कन्हैया जी जुड़े हैं अभी तो आपको भी हेलो है, ठीक है। तो जो लोग जुड़े हैं अभी आप लोग बताइए ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है तो यस लिख देंगे, ठीक है, ऑडियो आ रही है ठीक से, ठीक है। अब मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए वैसे तो बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, 8-10 मॉडल हैं, लेकिन हम यहां पर 3 या 4 मॉडल को ही पढ़ेंगे जो एक्चुअली जो रियल मॉडल है उनके बहुत करीब है और जो मॉडर्न मॉडल है, है ना, मॉडर्न में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है और जो बाकी मॉडल है वो भी करीब करीब ठीक ठाक मॉडल ही है। तो हम 3 या 4 मॉडल को यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो पहला मॉडल मैंने आपको ओवरटोन का पहले ही बता दिया है, ये लिपिड मॉडल कहलाता है, जो बताता है कि शायद केवल लिपिड का बना हुआ है, शुरू शुरू में ओवरटोन ने यह मॉडल दिया था। उसके बाद गॉटर एंड ग्रेंडल, इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के 2 लेयर हैं, लिपिड बाय मॉलिक्यूलर मॉडल, लिपिड के 2 लेयर हैं ऐसा बताया, ठीक है, ऊपर नीचे 2 लेयर हैं ऐसा बताया गॉटर और ग्रेंडल ने, ठीक है। तो अब देखिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एक्चुअली स्ट्रक्चर है उसके अब करीब आता जा रहा है ना, क्योंकि अब 2 लेयर तो पता चल चुका लिपिड का है। अब पहला जो ऐसा मॉडल है जो मॉडर्न मॉडल के बहुत करीब है वो है डेवशन और डेनियली का बटर सैंडविच मॉडल, जिसको अपन लैमेलर मॉडल या PLLP मॉडल कहते हैं, 1935 में दिया गया था, लेकिन इस मॉडल को सबसे ज्यादा जो जाना जाता है वो है बटर सैंडविच मॉडल। देखिए सैंडविच आप सब कोई खाते हैं, ब्रेड होते हैं 2 लेयर, ब्रेड ऐसे बना लगा लेते हैं, बीच में बटर या कोई और चीज रख करके हम खा लेते हैं, वो सैंडविच होता है। सैंडविच का एक्चुअली मतलब होता है बीच में दबा हुआ, उसे हम कहते हैं सैंडविच, है ना। तो बटर सैंडविच मॉडल क्यों कहा गया, क्योंकि डेवशन एंड डेनियली ने देखा कि इसमें प्रोटीन का बाहर एक लेयर है, प्रोटीन का अंदर एक लेयर है और बीच में फास्फोलिपिड का लेयर इन दोनों के बीच में दबा हुआ है, है ना, फास्फोलिपिड का 2 लेयर है बीच में जो प्रोटीन के 2 लेयर के बीच में दबे हुए हैं, ऐसे सैंडविच कंडीशन में है, इसलिए इसको बटर सैंडविच मॉडल कहा गया, ठीक है। यहां पर आप देखिए ये वो मॉडल है बटर सैंडविच मॉडल, तो देखिए कि ये बीच में ये एक लेयर फास्फोलिपिड का है, इतना लेयर,
ठीक से आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये फास्फोलिपिड का एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ठीक है, ये दो लेयर फास्फोलिपिड का है, उसके ऊपर ये जो थोड़ा सा कलर वाले में पिंक टाइप का कलर दिख रहा है आपको, वायलेट पिंक टाइप का, इस कलर में जो है ये है प्रोटीन का लेयर, ठीक है, बीच में फास्फोलिपिड का लेयर, फास्फोलिपिड का लेयर और प्रोटीन का लेयर। अभी आपने इस मॉडल का नाम देखिए, यहां पर मैंने शुरू में बताया था PLLP मॉडल कहा जाता है, तो इसको क्यों कहा जाता है, बाहर में प्रोटीन, फिर लिपिड, लिपिड और फिर प्रोटीन, इसलिए इसको PLLP मॉडल कहा गया, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें और समझ लीजिए, एक ये इन्होंने जो बताया कि जो प्रोटीन का लेयर है उसमें जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, देखते जाएंगे थोड़ा ध्यान से किसने किसने क्या क्या कहा किस किस मॉडल में। प्रोटीन जो है ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये कहा बटर सैंडविच मॉडल में। दूसरा ये कहा कि जो फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि एक हेड है और उसमें ऐसे करके टेल जुड़ा हुआ है, ये पता नहीं आपको क्लियर कट दिख रहा है कि नहीं, जैसे है ना टेल जुड़ा हुआ दिख रहा है, दो भागों का बना हुआ है ना, इसमें भी ऐसे टेल है और ये हेड है ना। इसका जो हेड है ये बना होता है फॉस्फेट का, फास्फोलिपिड हमने कहा ना, तो फॉस्फेट और लिपिड दो चीजें हैं, तो हेड इसका बना हुआ है फॉस्फेट का और ये टेल है, इसको टेल कहा जाता है, ये बना हुआ है लिपिड का, ठीक है। अब जो हेड है फॉस्फेट का, एक तो ये पोलर है, ठीक है, और दूसरा ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक, इन दोनों का मतलब भी बता देता हूं मैं आपको। पोलर का मतलब होता है जिसमें चार्जेस होते हैं प्लस माइनस चार्जेस, तो फॉस्फेट जो होता है जनरली उसमें माइनस चार्ज होता है, तो एक तो पोलर है फॉस्फेट जिसमें चार्ज है, दूसरा ये हाइड्रोफिलिक है, फिलिक का मतलब होता है लवर जो प्रेम करता है, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जो जल से, जो वाटर से प्रेम करता है वो हाइड्रोफिलिक है। जबकि जो लिपिड है, एक तो ये नॉन पोलर है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और दूसरा ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब होता है हेटिंग, घृणा करने वाला, जो जल से घृणा करता है, वाटर से हेटिंग करता है, हेट करता है, वो कहलाता है हाइड्रोफोबिक। अब देखिए कि जो हाइड्रोफिलिक होता है वो लिपोफोबिक होता है, और जो लिपोफिलिक होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब जो वाटर से प्रेम करता है वो लिपिड से घृणा करता है, और जो वाटर से घृणा करता है वो लिपिड से प्रेम करता है। तो ध्यान रखेंगे फॉस्फेट हाइड्रोफिलिक है, लिपिड हाइड्रोफोबिक है, और उनका उल्टा नेचर हो जाता है लिपिड के लिए, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, जो ये डेविशन डेनियली के मॉडल में बताया गया, प्रोटीन ग्लोबुलर मॉलिक्यूल है, फास्फोलिपिड में फास्फेट का हेड पोलर है और हाइड्रोफिलिक है, और टेल जो है ये लिपिड का बना हुआ है जो नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक है। इतनी बातें बता दिया था डेविशन और डेनियली ने अपने मॉडल में, जिसको कहा जाता है बटर सैंडविच मॉडल, क्योंकि सैंडविच की तरह दो लेयर के बीच में दबा हुआ है फास्फोलिपिड का लेयर, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा मॉडल है वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। कुछ बुक्स में इसको 1953 दिया रहता है, कुछ बुक्स में 59 दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ईयर जनरली इस चीज के लिए नहीं पूछा गया है अभी तक। इसको प्रपोज किया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रॉबर्टसन ने, जे डेविड रॉबर्टसन, इसके नाम पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि टर्म यूनिट मेम्ब्रेन किसने दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन शब्द किसने इस्तेमाल किया था, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया है, तो वो है रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने भी वही चीजें बताई, कुछ चीजों को चेंज कर दिया। क्या चीज बताई इन्होंने, बताई कि वही प्रोटीन का एक लेयर है, फिर फास्फोलिपिड के दो लेयर हैं, फिर प्रोटीन का एक लेयर है, ऐसा इन्होंने भी बताया। अंतर क्या बताया कि जो प्रोटीन का लेयर है, इससे पहले वाले में देखा था कि प्रोटीन ग्लोबुलर था, देखिए प्रोटीन गोल गोल थे, है ना, यहां पर इन्होंने बताया कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स लंबे लंबे ही इलांगेटेड है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बटर सैंडविच मॉडल से बाद का मॉडल है ये, बावजूद इसके रॉबर्टसन ने ये चीज गलत बता दिया था, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स लंबे नहीं होते हैं एक्चुअली। तीसरे मॉडल में फिर से हम इसको गोल वाले पढ़ेंगे, ग्लोबुलर पढ़ेंगे, तो पहले और तीसरे मॉडल में गोल बताया गया है, बीच वाले इस मॉडल में पता नहीं रॉबर्टसन ने कैसे गलत किया, लेकिन वो इलांगेटेड मॉलिक्यूल बता दिया और ये गलत है, ठीक है। तो पहला चेंज हुआ। दूसरा इन्होंने वही चीज बताया कि पोलर हेड है, लिपिड का टेल है, हेड जो है फास्फेट का, सब कुछ वैसे ही बताया। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रॉबर्टसन ने इसमें इंक्लूड किया वो था
इस मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या होती है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन की थिकनेस देखिए कि जो पहला प्रोटीन का लेयर है इसके थिकनेस है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फास्फोलिपिड का जो दो लेयर है इन दोनों को मिला के होता है 35 एंगस्ट्रॉम, 35 एंगस्ट्रॉम। और फिर से जो प्रोटीन का लेयर होता है यह होता है फिर से 20 एंगस्ट्रॉम। तो 20-20 के दो प्रोटीन है और 35 के दो फास्फोलिपिड है, टोटल हो जाता है 75 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए, हमने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, लेकिन ये केवल हम सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम सेल के अंदर जितने भी मेम्ब्रेनस सिस्टम है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गॉल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, स्फीरोसोम, ग्लायोक्सीसोम है ना, और क्लोरोप्लास्ट, इन सभी में मेम्ब्रेन होते हैं, वैक्यूल में मेम्ब्रेन होते हैं। इन सभी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं वो सभी में लागू होगा। ये अलग बात है कि उनकी थिकनेस कम ज्यादा होती है, मैक्सिमम थिकनेस 75 है, किसी भी मेम्ब्रेन की मैक्सिमम थिकनेस 75 है, लेकिन कहीं कहीं पर ये थिकनेस कम होने लगती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में थिकनेस जो है दो मेम्ब्रेन है, एक एक मेम्ब्रेन की थिकनेस 60 एंगस्ट्रॉम ईच। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट में भी दो मेम्ब्रेन है, एंड ईच मेम्ब्रेन इज 50 एंगस्ट्रॉम थिक थिक। ठीक है, हर एक मेम्ब्रेन वहां पर 50-50 है। ठीक है, तो इस तरह से थिकनेस जो है 50 से लेकर 75 तक जनरली पाई जाती है, इससे ज्यादा मोटी या इससे ज्यादा पतली मेम्ब्रेन जनरली देखने को नहीं मिलती है। तो रॉबर्टसन का मेन कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, मेम्ब्रेन की थिकनेस बताना। ठीक है, 75 एंगस्ट्रॉम, जिसे प्रोटीन 20 है, फास्फोलिपिड 35 है और फिर से प्रोटीन 20 है, तो ये रॉबर्टसन मॉडल में बताया गया। ठीक है, अभी तक तो साउंड वगैरह क्लियर आ रही होगी लग रहा है। ठीक है, सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं कन्हैया, आप पूछ रहे हो कौन सी क्लास है, तो ये सेल बायोलॉजी क्लास है, मैंने सबको नोटिफिकेशन भेजा था, आपको शायद नोटिफिकेशन नहीं मिला, अगर आप बेल आइकॉन को प्रेस करके नहीं रखेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा आपको। तो आप लोग सभी जो है, जो सब्सक्राइबर हैं अभी तक, वो सभी बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहे। ठीक है, मैं रोज लाइव क्लास ले रहा हूँ कन्हैया, बाकी लोगों को भी आप बता दें जो आपके पहचान के हैं, रोज मेरी 5 बजे लाइव क्लास होती है। ठीक है, 5 से 6:30 या 7 बजे तक, 1.5 से 2 घंटे की लाइव क्लास होगी मेरी। ठीक है, तो ये रोज 5 बजे होती है, अल्टरनेट डे पे एक एक क्लास होती है, एक सेल बायोलॉजी की, एक जेनेटिक्स की। फिलहाल ये दूसरी क्लास है सेल बायोलॉजी की, जेनेटिक्स की एक क्लास हो चुकी है, सेल बायोलॉजी की एक क्लास हो चुकी है, आज ये दूसरी क्लास है, कल जेनेटिक्स की दूसरी क्लास रहेगी। तो आप लोग अल्टरनेट डे पे ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो जो ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं वो तो सभी क्लास अटेंड करें, जो 11th के बच्चे हैं वो सेल बायोलॉजी चाहे तो जेनेटिक्स की, और जो 12th के बच्चे हैं वो भी दोनों अटेंड करिए, क्योंकि सेल बायोलॉजी भी आपको पढ़ना ही है एनीहाउ दोबारा, तो सारे क्लासेस अटेंड करिए, सभी कोई सारे क्लासेस करें तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है जी कन्हैया, और आपको आप ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है ऐसा मुझे लग रहा है, अब तो किसी ने कमेंट नहीं किया है कि कोई गड़बड़ हो रही है करके। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्लास एंड तक अब सही चलेगी। ठीक है, ठीक आ रही ना, ठीक है। अब है फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी होती है, मतलब उसके एक मिनट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फ्लूइडिटी को पढ़ रहे हैं, है ना। फ्लूइडिटी होती है सेल मेम्ब्रेन में, उसके मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, ये कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए फ्राई और एडिडीन नाम के दो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट को पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर क्या लिखा है इसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इन्होंने दो सेल्स लिए, एक ह्यूमन सेल लिया और एक माउस का सेल लिया। ये माउस का सेल है, ये ह्यूमन का सेल है। ठीक है, दो सेल लिया, इन दोनों सेल को इन्होंने स्टेन किया। कैसा स्टेन किया, चमकने वाले स्टेन से स्टेन किया, जो फ्लोरोसेंट डाई होता है। देखिए, हम किसी भी सेल को या सेल ऑर्गेनेल को हम स्टेन करते हैं तो डाई के माध्यम से स्टेन करते हैं। डाई होते हैं बहुत सारे, जैसे कि जेनस ग्रीन बी होता है, या फ्यूलजेन होता है, या एसिटोकार्माइन होता है, इस टाइप के डाई से हम स्टेन करते हैं। इनमें से कुछ डाई ऐसे होते हैं जो चमकते हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो हिस्से चमकते हुए दिखेंगे आपको, थोड़ी सी भी लाइट पड़ती है। तो इन्होंने दो सेल लिए, एक लिया माउस का सेल, ठीक है, चूहे का, और एक लिया ह्यूमन हम लोगों का सेल। पहले क्या किया, माउस के सेल को रेड कलर से चमकने वाले स्टेन से डाई किया, इन्होंने डाई से स्टेन किया। ठीक है, फ्लोरोसेंट डाई।
माउस के बाद ह्यूमन सेल को लिया, इसको इन्होंने ग्रीन फ्लोरिसेंट से स्टेन किया। ये ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, लेकिन एक्चुअली था ये ग्रीन कलर का। ये ऐसा कोई पिक्चर मेरे को मिला नहीं जिसमें ग्रीन हो, लेकिन फिर भी मैंने ये ले लिया आपको समझाने के लिए। तो ह्यूमन सेल को स्टेन किया ग्रीन कलर से, माउस सेल को स्टेन किया रेड कलर से, जो चमकने वाले हैं, चमकने लग गए रेड कलर से और ग्रीन कलर से। फिर इन दोनों सेल को पास मिला के फ्यूज कराया। किसी भी दो सेल को फ्यूज कराने के लिए, जोड़ने के लिए, पॉली एथिलीन ग्लाइकॉल, पॉली एथिलीन ग्लाइकॉल ये केमिकल है। नाम से शायद आपको कुछ अंदाज हो रहा होगा कि कौन सा केमिकल है। इस केमिकल को यूज करते हैं। तो जैसे ही इस केमिकल को आप यूज करोगे, दोनों सेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ऐसे करके कई सारे सेल्स बनाए जो फ्यूज हो रहे थे ना। इनमें से कुछ सेल्स को 0 डिग्री में रखा और कुछ सेल्स को 37 डिग्री सेल्सियस में रखा, ठीक है। तो जब ये सेल फ्यूज हुए, देखिए फ्यूज हुए, उस समय फ्यूज्ड सेल का आधा हिस्सा रेड कलर में चमक रहा था, आधा हिस्सा ग्रीन कलर में चमक रहा था, ठीक है। जब आप इसको 0 डिग्री में रख देते हैं तो ये इसी कंडीशन में रह जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको 37 डिग्री में रखते हैं तो फिर ये कलर धीरे धीरे मिक्स हो जाता है और थोड़ी देर बाद पूरा सेल मिक्स्ड कलर का दिखने लगता है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए, जब आपने इसको 0 डिग्री सेल्सियस में रखा तो लिपिड के मॉलिक्यूल्स फ्रीज हो गए, जम गए, मूव नहीं कर पाए। इसके कारण से जो कलर है वो मिक्स नहीं हो पाए। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया 37 डिग्री सेल्सियस किया, तो ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स मूव करने लग गए, और मूव किए तो मिक्स हो गए, वो जो कलर्ड मॉलिक्यूल्स है ना, तो मिक्स होके ऐसे दिखने लग गए। तो इस तरह से फ्लूइडिटी जो है सेल मेम्ब्रेन की, वो प्रूफ किया गया फ्राई और एडिडिन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि दोनों डाई का नाम भी मैंने लिख दिया है, कौन कौन से डाई से किया, ठीक है। तो जो माउस सेल है, माउस सेल को ग्रीन कलर से किया था, यहां पर उल्टा छप गया है। देखिए यहां पर माउस को रेड कलर में दिखा दिया है, उल्टा हो गया है। माउस ग्रीन कलर में था और ह्यूमन सेल रेड कलर में था, ध्यान रखेंगे। तो देखिए क्या लिखा है कि ह्यूमन सेल वॉज लेबल्ड विथ रेड फ्लोरिसेंट डाई दैट इज कॉल्ड रोडोमाइन। रोडोमाइन रेड कलर में चमकने वाला डाई है, इसके ह्यूमन सेल को किया था। और माउस सेल को ग्रीन फ्लोरिसेंट डाई, ये फ्लोरिसिन, फ्लोरिसिन नाम का ग्रीन फ्लोरिसेंट डाई है जो हरे कलर में चमकता है, इससे उसको स्टेन किया था। और फिर उसको पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में दोनों को फ्यूज किया था, ठीक है। फ्यूज्ड यूजिंग पीईजी, पॉली एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। इस टर्म को भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी दो सेल को फ्यूज कराने के लिए इस केमिकल को यूज किया जाता है, पॉली एथिलीन ग्लाइकॉल को, ठीक है। दोनों फ्यूज हो गए और जब 37 डिग्री सेल्सियस में रखा तो फिर वो मिक्स हो गए, ये भी आपने देखा, क्योंकि वहां पर फ्लूइडिटी आपको मिल गई, ठीक है। थोड़ी सी शायद बीच बीच में ब्रेक हो रही है अभी भी, लेकिन आपको कंटिन्यू आगे मिल जा रही है, ठीक है, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं, जो अभी मेरे क्लास में आज पहली बार लाइव क्लास में आए हैं, आपको नोटिफिकेशन कैसे भी मिला होगा, मैसेज मिला होगा, फेसबुक वगैरह में मैंने शेयर किया था। और अभी आपने अगर मेरे चैनल में सब्सक्रिप्शन और बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो आप कर दें। तो अगले वीडियो का, वैसे मैं आपको बता दूं कि हर रोज 5 बजे मेरी क्लास होती है, लाइव क्लास, ठीक है। तो आप रोज इसमें आ जाए, मेरे क्लास में अटेंड कर लें, आपको दिख जाएगा, और नोटिफिकेशन मिल जाए तो क्लिक करते ही आप जुड़ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप कृपया नोटिफिकेशन ऑन करके रखें मेरे चैनल के लिए, ठीक है। फ्लूइड मोजेक मॉडल नेक्स्ट मॉडल है। अभी तक हमने दो मॉडल मेनली देखे, एक डेविशन डेनियली का मॉडल, बटर सैंडविच मॉडल, दूसरा आपने देखा रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये दो मॉडल आपने देख लिया, दोनों में लगभग सारी चीजें बताई जा चुकी हैं जो जो मेम्ब्रेन में होता है। लेकिन फ्लूइड मोजेक मॉडल जो मॉडर्न मॉडल कहलाता है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1973 में, ये लेटेस्ट मॉडल है। हालांकि इस मॉडल को आए भी है ना 45 साल के आसपास होने जा रहा है, 40-45 साल, लेकिन फिर भी अभी तक ये लेटेस्ट मॉडल कहलाती है। इस मॉडल में क्या कहा गया, देखिए इसमें कहा गया कि जो रॉबर्टसन ने बताया, जो डेविशन डेनियली ने बताया, प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड है, प्रोटीन है, बिल्कुल सही बताया है। लेकिन उसमें अंतर यह है कि जो बीच का फॉस्फोलिपिड का जो लेयर है, ये पूरा जो गोल वाले दिख रहे हैं, ये पूरे
फास्फोलिपिड लेयर है, ये सॉलिड नहीं है, ये फ्लूइड जैसा है, द्रव जैसा है। यह अलग बात है कि पूरी तरह से द्रव नहीं है, पूरी तरह से लिक्विड नहीं है, यह सेमी लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, जेल जैसा है, ठीक है। इसीलिए इस मॉडल को फ्लूइड मोजेक मॉडल कहा गया, ठीक है। अब इसमें और क्या चीज बताई गई, देखिए पहला चीज तो यह बता दिया गया कि जो फास्फोलिपिड के लेयर है, दोनों लेयर, ये फ्लूइड जैसा है। दूसरा एक चीज बताया गया कि जो प्रोटीन के लेयर्स हैं, जो बाहर तरफ भी है अंदर तरफ भी है, वो गोल है ज्यादातर, कुछ इलांगेटेड हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ज्यादातर राउंड शेप में है। तो ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है ना, ये यूनिफॉर्म लेयर नहीं बनाते हैं, एक निश्चित लेयर, बुक की कवर जैसा लेयर नहीं बनाते हैं, बल्कि ये मॉलिक्यूल जो है उस समुद्र में तैर रहे हैं, जो फास्फोलिपिड का समुद्र है। देखिए यहां पर एक टर्म लिखा है सी ऑफ लिपिड, लिपिड का जो समुद्र है उसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स तैर रहे हैं, जैसे कि समुद्र में आइसबर्ग्स तैरते हैं। कई फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, एक टाइटेनिक करके फिल्म भी आई थी जिसमें टाइटेनिक जहाज एक आइसबर्ग में टकराया था। तो जो ठंडे एरिया है, जो पोलार रीजन है, वहां का जो समुद्र है उसमें बर्फ जो है तैरते रहते हैं, बर्फ जम जाता है ना पानी, तो बर्फ तैरते रहता है, उसे आइसबर्ग्स कहते हैं। तो वैसे ही फास्फोलिपिड का समुद्र है, उसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स उसी तरह से तैर रहे हैं जैसे कि आइसबर्ग्स तैर रहे हैं समुद्र में, ऐसे तैर रहे हैं, यह कहना है इनका, ठीक है। अब देखिए कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, यहां पर किस तरह से होते हैं, देखिए। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एक तो फास्फोलिपिड के ऊपर इस तरह से तैरते रहते हैं, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स दिख भी रहे हैं यहां पर, है ना, बाहर और अंदर की तरफ तैर रहे हैं, ठीक है, कुछ बाहर में, और कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ धंसे हुए हैं। जैसे आप पानी में जो लोग तैरते रहते हैं उनको देखना, या आप भी तैरना जानते होंगे शायद, तो पानी में लोग किस तरह से तैरते हैं, एक तो ऊपर में ऐसे फ्लैट, ऐसे 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 तैरते हैं ऐसे, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे डुबकी लगाते हैं, मुंडी बाहर रहता है बाकी शरीर अंदर रहता है। तो जो डुबकी लगाने वाले लोग होते हैं उस टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये इंटेग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो डूबे हुए हैं पानी में, डूबे हुए, उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक या इंटेग्रल, और जो पानी में ऐसे तैरते हैं उनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स, जो पानी में तैर रहे हैं ऊपर। तो दो प्रकार के प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इसमें जो बाहर तैर रहे हैं उनका अमाउंट कम होता है, करीब करीब 30%, लेकिन जो पानी में डूबे हुए हैं उनका अमाउंट ज्यादा है, करीब करीब 70%। तो इंटेग्रल प्रोटीन डूबे हुए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन तैरते हुए। तो दोनों तरफ ना मेम्ब्रेन में, जैसा बताया था कि मेम्ब्रेन में बाहर प्रोटीन, अंदर प्रोटीन, बीच में फास्फोलिपिड, तो दोनों तरफ के प्रोटीन इसी तरह से रहते हैं, तैरने वाले और डुबकी लगाने वाले, इंटेग्रल और एक्सटर्नल या पेरिफेरल प्रोटीन। अब एक और विशेष बात देखिए कि कुछ ऐसे इंटेग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के आर पार पहुंचे होते हैं, मेम्ब्रेन की जितनी मोटाई है फास्फोलिपिड के एक सिरे से फास्फोलिपिड के दूसरे सिरे तक पहुंचे रहते हैं, मतलब पूरी मेम्ब्रेन की मोटाई में। जैसे कि ये मेम्ब्रेन है, ये बाहर प्रोटीन अंदर प्रोटीन, तो ये ऐसे आर पार पहुंचे हुए, ठीक है। तो चूंकि ये आर पार पहुंचे हुए हैं तो इन्हें हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं इनको, ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। इस प्रोटीन की एक तो आपने देखा कि आर पार पहुंचा हुआ लंबे प्रोटीन है, एक दूसरी और विशेषता है, क्या विशेषता है, इसके अंदर ना चैनल होता है, ट्यूब जैसा होता है ये, ठीक है, रास्ता होता है, चैनल होता है, ट्यूब जैसा नली, इस नली से वाटर और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स पास होते हैं अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। अभी कुछ देर पहले आपने ये चीज देखा था कि चूंकि मेम्ब्रेन में ज्यादातर जो है वो फास्फोलिपिड का लेयर है और लिपिड जो है हाइड्रोफोबिक है, पानी से घृणा करता है, तो पानी कहीं से भी अंदर बाहर नहीं जा सकता, उसको नहीं जाने देगा वो मेम्ब्रेन, तो फिर कैसे जाएगा, क्योंकि पानी तो अंदर जाना चाहिए ना, सेल को तो पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो कैसे जाएगा। तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसके होते हुए, इससे होते हुए जाएगा। तो चूंकि इसमें एक चैनल बना हुआ है, एक टनल बना हुआ है, एक ट्यूब बना हुआ है, इसलिए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को टनल प्रोटीन भी कहा जाता है, जरा इसको ध्यान रखेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन
इज ऑल्सो कॉल्ड टनल प्रोटीन, ठीक है, जिससे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स पास होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल पास होते हैं। एक तो ये बड़ी बात, ठीक है। इसमें हमने मेम्ब्रेन को, ऐसा ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये सेल के अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये सेल के बाहर वाला हिस्सा है। जैसे ये सेल है, ठीक है, इस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, तो सेल के अंदर वाला हिस्सा ये है, सेल के बाहर वाला हिस्सा इधर है। तो सेल के अंदर देखिए, आपको पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, ये ऐसे करके कुछ फाइबर्स आपको अंदर की तरफ ऐसे दिख रहे हैं। देखिए ये फाइबर्स आपको दिख रहे हैं कैमरे से, ठीक है, थोड़ा सा लाइट कलर में दिख रहा है, हल्का सा। तो एक्चुअली सेल के अंदर जो है, जैसे सेल है तो मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, ये फाइबर्स के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ऐसे, तो वो मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अंदर से, वो दिख रहा है यहां पर, ठीक है। एक और चीज जो आपको बाहर की तरफ ज्यादा दिख रहा है, देखिए ये आपको ग्रीन कलर में कुछ यहां पर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए दिख रहे हैं, देखिए ये, ठीक है, और कुछ ब्लू कलर में भी दिख रहे हैं, देखिए ये ब्लू कलर में दिख रहे हैं, दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं जनरली। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट लिखा है, देखिए कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स एक प्रकार के या एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं। अभी कुछ देर पहले आपको ध्यान होगा, मैंने सेल वॉल पढ़ाते समय एक लेयर बताया था जिसको हमने कहा था ग्लाइकोकैलिक्स, आपको ध्यान है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सेल की आइडेंटिफिकेशन बनाता है, सेल की पहचान बनाता है, ठीक है, ठीक है। तो सेल की पहचान बनाता है ग्लाइकोकैलिक्स, जिससे माइक्रोब्स वगैरह को, हमारे सेल का जो डिफेंस सिस्टम है वो पहचान पाता है और उसको किल कर पाता है। ये मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले। तो वो जो ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर है वो बना हुआ है इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन ये सिर्फ बाहर की तरफ है। अभी कार्बोहाइड्रेट किससे जुड़ा है, देखिए कार्बोहाइड्रेट या तो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर ये ग्लाइको, सॉरी फास्फोलिपिड से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, और अगर ये लिपिड से जुड़ा हुआ है तो ग्लाइकोलिपिड बनाता है। यहीं कहीं पर लिखा भी है ग्लाइकोलिपिड, ये ग्लाइकोलिपिड बनाता है, ठीक है। तो दो तरह के कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स यहां पर जुड़े होते हैं, एक जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं, एक जो लिपिड से जुड़े होते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ये दो लेयर बनाते हैं, और ये दोनों मिलकर के ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं, जो सेल के बाहर के सरफेस में, ध्यान रखेंगे जैसे ये मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, तो सिर्फ बाहर के सरफेस में जुड़े रहेंगे, अंदर के सरफेस में ये नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर कोई खास चीज तो और है नहीं। तो ये हुआ आपका फ्लूइड मोजेक मॉडल, जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था, ये लेटेस्ट मॉडल कहलाता है, और इसमें फ्लूइडिटी है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसका यहां पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया है, देख सकते हैं, अगर आप इसको भी पढ़ना चाहें तो सारी चीजें लिखी हुई है जो मैंने अभी बताया। जो फास्फोलिपिड है उसमें पोलर हेड है ना, हाइड्रोफिलिक है, और जो लिपिड है वो हाइड्रोफोबिक है। ये सारी बातें मैंने रॉबर्टसन मॉडल में और डेविसन डेनियली के जो मॉडल है दोनों में मैंने आपको बता दिया है, इसलिए ये दोनों चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए मैंने एक चीज और बताया था, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन 30% है और इंट्रिंसिक प्रोटीन 70% है। तो अब इनके बारे में थोड़ा बात करें कि जो प्रोटीन्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बाहर में रहते हैं ये सॉल्युबल है और अनस्टेबल है, इनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, अगर हम पीएच को भी चेंज कर देंगे, एसिड बेस डाल देंगे तो ये अलग हो जाते हैं। अभी जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है इनमें कौन कौन से है, देखिए एक तो है स्पेक्ट्रिन, एक है एसिटाइल कोलीन, एक है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम के बारे में तो आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और सम प्रोटीन्स लाइक परमिएज एंड ट्रांसलोकेज, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर लाने ले जाने में मदद करते हैं, तो कैरियर प्रोटीन होते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। एसिटाइल कोलीन ये तो एक केमिकल के तौर पे भी काम करता है नर्वस सिस्टम में, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको न्यूरॉन्स पढ़ाते समय बता चुका हूं और बताऊंगा भी, अगर आपने एनसीईआरटी वाले चैप्टर पढ़ लिए हैं तो आपको पता भी होगा, ठीक है। अब है स्पेक्ट्रिन्स, जो यहां पर आपने एक नाम पढ़ा, स्पेक्ट्रिन्स आर पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, सेल को मजबूती देता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये जरा ध्यान रखेंगे आप, नीट में पूछने के लायक क्वेश्चन है। क्यों एसिमेट्रिकल है? क्योंकि इसमें ग्लाइकोकैलिक्स केवल बाहर के साइड में है, अंदर के साइड में ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है, और स्पेक्ट्रिन प्रोटीन केवल अंदर के साइड में है, बाहर के साइड में नहीं है। तो बाहर ग्लाइकोकैलिक्स केवल है, अंदर केवल स्पेक्ट्रिन है जो साइटोस्केलेटन बनाता है। तो ये दोनों अलग अलग हिस्से में अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल है। लेकिन मान लो ये दोनों चीजें अंदर बाहर दोनों तरफ होते तो फिर सेल मेम्ब्रेन सिमेट्रिकल हो जाता, लेकिन वो एसिमेट्रिकल हो गया, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन जैसा मैंने बताया 70% है, अंदर में धसे होते हैं इसलिए सेपरेट नहीं किए जा सकते आसानी से। ठीक है, और ये स्टेबल होते हैं। इनमें से कुछ को मैंने बताया ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये टनल प्रोटीन है जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल को पास होने देते हैं, उसी से वो अंदर बाहर जाते हैं। ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, इसमें ग्लाइकोफोरिन और पोरिन्स, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम पे हैं, और इसमें पोर होते हैं, छिद्र होते हैं जिससे पहुंच जाते हैं अंदर बाहर। ठीक है, पोरिन्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर वाले मेम्ब्रेन में है, जिससे आपका पायरिविक एसिड है, NADH2 है, ये अंदर पास होते हैं। बैक्टीरियल के मेम्ब्रेन में भी ये पाए जाते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन ही कर देता है, मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपको इस चीज को बताया था। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन, सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन, तीन चीजों का सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है, मेनली दो ही है, एक प्रोटीन है, एक फास्फोलिपिड है, तीसरा थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट होता है। इन तीनों का परसेंटेज क्या है देखिए, तो जो प्रोटीन है वो करीब करीब 60% है। ठीक है, और ये उल्टा लिख दिया भाई, इसमें टाइपिंग उल्टा हो गया है, लिपिड इसमें 20-40% है और कार्बोहाइड्रेट 1-2% है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। लिपिड यहां पर 20-40% है, ठीक है, फास्फोलिपिड के फॉर्म में, और कार्बोहाइड्रेट इसमें 1-2% है जो ऊपर में ग्लाइकोकैलिक्स के फॉर्म में पाया जाता है। तो प्रोटीन करीब करीब 60%, लिपिड करीब करीब 40%, और 1-2% कम ज्यादा जो होता है उसकी जगह कार्बोहाइड्रेट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब पहला हम थोड़ा सा बात करेंगे फास्फोलिपिड के बारे में, क्योंकि अब थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो एम्स वगैरह के हिसाब से कुछ क्वेश्चन आ गया तो आपको थोड़ा डेप्थ में पूछेगा, इसलिए एनसीईआरटी से थोड़ा सा हम और एक्सटेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा यहां पर एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट है, 40% तक पार्ट है, आपने देखा इस चीज को। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा है देखिए, फास्फोलिपिड में एक है फास्फेटाइडाइल सीरीन, दूसरा है फास्फेटाइडाइल कोलीन, ये फास्फे है ना, यहां पर भी पी है, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो, एक्चुअली क्या है स्लाइड थोड़ा जल्दबाजी में बनाया मैंने, थोड़ा समय का अभाव हो गया था तो कुछ चीजें टाइप करते समय छूट गई हैं। फास्फेटाइडाइल सीरीन, फास्फेटाइडाइल कोलीन जिसको लेसिथीन कहा जाता है, और सिफेलिन कहा जाता है, पहले वाले को लेसिथीन, दूसरे वाले को सिफेलिन। ठीक है, तो ये फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड का इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो आपने देखा कि ये मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, मेम्ब्रेन जो है फ्लूइड नेचर का हो जाता है। ठीक है, फास्फोलिपिड के कारण से, क्योंकि ये द्रव जैसा होता है और वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये जो है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, देखिए आप लोग फैट खाते हैं दो रूपों में, एक आप खाते हो घी जो जम जाता है ठंड के दिनों में, और दूसरा खाते हो तेल ऑयल जो नहीं जमता है। तो जो ऑयल होता है ना वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का बना होता है, इसके कारण से वो नहीं जमता है, और जो घी है वो सेचुरेटेड फैटी एसिड है उसके कारण से वो जम जाता है। तो यहां पर जो फास्फोलिपिड है उसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो नहीं जमता है, इसके कारण से ये लिक्विड नेचर का है और ये फ्लूइडिटी आपको मिलती रहती है। लेकिन ज्यादा फ्लूइडिटी हो जाएगी तो एकदम कमजोर भी हो जाएगा, तो थोड़ी सी अब मजबूती देने की आवश्यकता हुई, तो मजबूती देने के लिए उसमें हमने इनकॉर्पोरेट किया है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के कारण से वो थोड़ी सी मजबूत हो जाती है मेम्ब्रेन, है ना। देखो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है मोर रिजिड देन फास्फोलिपिड, सो हेल्प इन स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो और लिक्विफाई हो जाएगा मेम्ब्रेन, तो इसके कारण से वहां पर कोलेस्ट्रॉल उसको मजबूती देता है। लेकिन ये प्रोकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। ठीक है, और दस होपेनॉइड्स पेंटासाइक्लिक स्ट्रॉल प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, जैसे हम लोगों में कोलेस्ट्रॉल है वैसे इनमें होपेनॉइड्स हैं जो पेंटासाइक्लिक स्ट्रॉल है, मतलब इस टाइप के जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये पांच रहेंगे, जबकि कोलेस्ट्रॉल में
दो दो या तीन साइकिल होते हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को ऑडियो वीडियो आ रहा है ना ठीक से? ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा पहले बात कर चुका हूं मैं आपसे। ठीक है, तो एक सेल नाम के साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया था कि कार्बोहाइड्रेट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और आरबीसी और लिवर सेल में 5% तक कार्बोहाइड्रेट होता है, और हेक्सोसामिन सियालिक एसिड, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑर्गेनिक एसिड है। अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन के साथ जुड़ा है तो ग्लाइकोप्रोटीन, ये मैंने फिगर में अभी आपको बता दिया। ठीक है, और ज्यादातर में 1 या 2% ही होता है, और केवल बाहर के सरफेस में होता है, ये भी मैंने आपको बताया। सेल रिकॉग्निशन, सेल की पहचान बनाने में मदद करता है ग्लाइकोकैलिक्स की तरह से। इसके में फर्टिलाइजेशन के समय एक तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है कि एक एग या एक दूसरा स्पर्म जो है तभी फर्टिलाइज होते हैं जब वो एक ही स्पीसीज के होते हैं, क्योंकि उनमें सेल रिकॉग्निशन की बात होती है। ठीक है, जैसे जो ओवम होती है उसके ऊपर फर्टिलाइजिन नाम का एक केमिकल होता है, स्पर्म के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिन केमिकल होता है, दोनों एक दूसरे को लॉक एंड की तरह पहचान करते हैं और तब फर्टिलाइज होते हैं। इसलिए एक एनिमल का ओवम दूसरे एनिमल के स्पर्म से जनरली फर्टिलाइज नहीं होता, और अगर फर्टिलाइज हो भी जाता है तो जो बच्चा बनता है वो स्टेराइल हो जाता है। जैसे कि म्यूल है, खच्चर, खच्चर कैसे बनता है, तो मेल डंकी है गधा और फीमेल हॉर्स है घोड़ी, तो घोड़ी और गधे के ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से म्यूल बनता है खच्चर, लेकिन वो खच्चर जो है स्टराइल पैदा होता है, वो फर्टाइल नहीं होता। यानी एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से आप फर्टिलाइज कर दोगे तो फिर वो स्टराइल बच्चा पैदा होता है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और दूसरा ये कि ब्लड एंटीजन, देखिए ब्लड ग्रुप आप जानते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी, ए बी और ओ, तो जिस टाइप का एंटीजन होता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और दोनों नहीं है तो ओ। तो एंटीजन जो होता है ब्लड ग्रुप का, जिसके कारण से ए बी या ए बी होता है, वो है आपका शुगर, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जिसके कारण से यह है, ये मैंने अभी आपको जो बताया मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब है फ्लिप फ्लॉप कंसेप्ट इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखिए, जैसा आपने देखा कि फास्फोलिपिड लेयर लिक्विफाइड है तो उसके मॉलिक्यूल्स आजू बाजू में मूव करते कर सकते हैं, लेकिन यह देखा गया कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक लेयर से दूसरे लेयर में माइग्रेट नहीं करते हैं जनरली, जो कैरियर मॉलिक्यूल है उनको छोड़ करके। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में जनरली नहीं पाया जाता है, ये लिखा है। देखिए, फ्लिप फ्लॉप मीन्स एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन मोनोलेयर विद दोज इन द मोनोलेयर ऑफ द अदर साइड, तो एक लेयर से दूसरे साइड में मूवमेंट नहीं होता है, एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप नहीं होता है। हाउएवर फास्फोलिपिड बाइलेयर इज फ्लूइड प्रॉपर्टी हैज प्रूफ ऑफ, बट नो एविडेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक लेयर से दूसरे लेयर में माइग्रेट नहीं करते हैं। ठीक है, रोटेशनल डिफ्यूजन, लेटरल डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज पॉसिबल, मतलब आजू बाजू में या घूम फिर करके वहीं पर रह जाएंगे लेकिन दूसरे लेयर में नहीं जाएंगे। एब्सेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रो स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रोटीन मॉलिक्यूल का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब है कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या स्पेशल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं? जैसे आपने एक माइक्रोविलाई पढ़ा है ना, सेल के बीच जंक्शंस होते हैं ये पढ़ा है, तो इनके बारे में थोड़ी सी मैं अब बात करने वाला हूं, क्या क्या यहां पर स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो पहला है विलाई और माइक्रोविलाई। देखिए, जहां पर किसी मटेरियल को एब्जॉर्ब करना है, सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कराना है, तो वहां पर सेल्स एक तो लंबे रहते हैं, कॉलमनर सेल्स, जैसे हमारा इंटेस्टाइन है, किडनी है, किडनी के जो नेफ्रॉन है वहां पर क्यूबॉइडल सेल है, इंटेस्टाइन में कॉलमनर सेल है, तो वैसे इनका सरफेस एरिया बड़ा है, ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर फिर विलाई डेवलप हो जाते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन ऐसे एक्सटेंड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे एक्सटेंड हो जाते हैं और विलाई के ऊपर और छोटे हो जाते हैं तो माइक्रोविलाई कहलाते हैं ऐसे। ठीक है,
तो इस विलाई माइक्रोविलाई के कारण से ये ब्रश बॉर्डर कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे ब्रश बॉर्डर का मतलब प्रेजेंस ऑफ विलाई माइक्रोविलाई, नॉट प्रेजेंस ऑफ सीलिया, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि सीलिया ब्रश जैसा दिखता है तो उसको ब्रश बॉर्डर कह देंगे, लेकिन वो नहीं है, सीलिया नहीं है। ब्रश बॉर्डर इज प्रेजेंस ऑफ विलाई माइक्रोविलाई। तो ये आपके इंटेस्टाइन में भी होते हैं और आपके किडनी में भी, नेफ्रॉन में भी होते हैं, पीसीटी में, ठीक है। तो विलाई माइक्रोविलाई क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। आपको बता दें आपके इंटेस्टाइन में जो विलाई माइक्रोविलाई है वो सरफेस एरिया को करीब करीब 2000 गुना बढ़ा देते हैं, 2000 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को। तो इतना ज्यादा यहां पर एब्जॉर्प्शन चलते रहता है, ठीक है। अब है जंक्शनल कॉम्प्लेक्स। जंक्शनल कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे सेल्स हैं, ये दूसरे सेल है तो इनके बीच में कोई जंक्शन है क्या, इनके बीच में कोई ज्वाइंट है क्या, इसको हम पढ़ेंगे। तो पहला है इसमें डेस्मोसोम, जोना एड्रेंस। एक पिक्चर भी मैंने लगाया है, देखिए कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये भी सेल मेम्ब्रेन है दूसरे सेल का। सेल मेम्ब्रेन में ऐसे प्रोटीन के डिस्क बन जाते हैं और इस प्रोटीन डिस्क से कुछ फाइबर्स निकल आते हैं ऐसे, और ये फाइबर्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो इन्हीं को हम डेस्मोसोम कहते हैं। और ये जो फाइबर निकलते हैं इनको अपन टोनोफाइब्रिल्स कहते हैं, टोनोफाइब्रिल्स, ठीक है, टोनोफाइब्रिल्स। ये दोनों सेल के सरफेस से निकलते हैं टोनोफाइब्रिल्स, ऐसे जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो टोनोफाइब्रिल्स के जुड़ने से सेल्स में मजबूती आ जाता है। तो डेस्मोसोम है, इसको जोना एड्रेंस कहते हैं। ध्यान रखेंगे अल्टरनेटिव नेम आपको थोड़ा सा याद करके रखना है, डेस्मोसोम को जोना एड्रेंस कहते हैं, ठीक है। ये एपिथेलियल सेल में, जनरली ये जो जंक्शन है आपको एपिथेलियल सेल में देखने को मिलेंगे, इसमें जो फाइबर्स निकलते हैं उनको टोनोफाइब्रिल्स कहते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे डेस्मोसोम में, ठीक है। हमारी डेढ़ घंटे की क्लास थी लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ 10-5 मिनट, तो आप जुड़े रहें क्योंकि ये थोड़ा सा लंबी क्लास हो जा रही, मतलब लंबा चैप्टर है थोड़ा सेल बायोलॉजी, तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा टाइम लेके करेंगे तो ये जल्दी हो पाएगा, है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। तो पहला डेस्मोसोम मैंने आपको बताया, अब दूसरा है यहाँ पर इंटर डिजिटेशन। देखिए डिजिट का मतलब होता है उंगली, फिंगर। डिजिट मतलब एक तो वो नंबर्स होते हैं जो आपके डिजिटल बोर्ड वगैरह में लग रहा था, 1, 2, 3, 4 लिखा रहा था, वो डिजिट होता है, लेकिन यहां पर डिजिट का मतलब फिंगर होता है बायोलॉजी में। तो एक सेल से कुछ फिंगर जैसे निकलेंगे, दूसरे सेल से फिंगर जैसे निकलेंगे और एक दूसरे को ये इस तरह से पकड़ लेंगे, जैसे कि ये फिंगर एक दूसरे से ऐसे इंटरलॉक्ड हो जाएंगे, है ना, इस तरह से इंटर डिजिटेशन बनता है। इसमें जो है कॉन्टेक्ट बिटवीन सेल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स, मटेरियल्स का एक्सचेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट है टाइट जंक्शन या जोना ऑक्लूडेंस। इसमें थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंशन रहता है सेल्स में, जैसे कि ये सेल का मेम्ब्रेन है तो ऐसे 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 थोड़ा सा हो जाएगा, दूसरा सेल का भी ऐसे 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 हो जाएगा और ये सेल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाता है टाइट जंक्शन। इसमें भी देखिए फ्यूज मेम्ब्रेन हैज 5 लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। टाइट जंक्शन आकर्षित नर्व टिश्यू एट सिनाप्सिस, तो नर्व टिश्यू आपस में जुड़े होते हैं सिनाप्स के द्वारा, वहां पर इस टाइप का टाइट जंक्शन होता है। नेक्स्ट है गैप जंक्शन या नेक्सस। तो गैप जंक्शन में एक सेल से दूसरे सेल में प्रोटीन के ट्यूब्स डेवलप हो जाते हैं, ऐसे प्रोटीन के ट्यूब्स, इन ट्यूब्स के माध्यम से मटेरियल्स एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचने लगते हैं। तो प्रोटीन के चैनल्स के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं सेल्स, तो इसको हम गैप जंक्शन कहते हैं, इसको कनेक्सॉन्स कहते हैं। देखिए थोड़ा स्पेलिंग आप देख लेंगे, कनेक्सॉन्स, ठीक है। और जो प्रोटीन होते हैं ट्यूब्स उनको प्रोटीन कनेक्सिन्स कहते हैं, ठीक है। और ये सभी एनिमल सेल्स में, डेस्मोसोम, इंटर डिजिटेशन, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, ये सभी एनिमल सेल में, और विशेषकर ये पाए जाते हैं एपिथेलियल सेल्स में, क्योंकि एपिथेलियल सेल्स के बीच बीच में गैप नहीं होता, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए सेल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ताकि जहां से न्यूट्रिशन मिले तो सभी सेल्स को पास हो जाए। मीजोसोम्स, मीजोसोम मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है ऐसे इनफोल्ड कर जाता है, इसके ऊपर सेल वॉल रहता है, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड कर जाता है और इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में होने चाहिए, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन तो ये भी करता है ना, तो मीजोसोम के द्वारा वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है ना, तो ये मीजोसोम है। और फंगस में इस तरह का जो इनफोल्डिंग रहता है उसे लोमासोम कहते हैं, ठीक है। और फंगस में जो इनफोल्डिंग है इसको मुरे और मैकियर ने डिस्कवर किया था और ये सेल वॉल बनाने से रिलेटेड है, सेल वॉल काइटिन का बना होता है उसको सिक्रेट करने में मदद करता है लोमासोम, ठीक है। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है,
फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये प्रोटोप्लाज्म को बाउंड करता है, प्रोटोप्लाज्म को घेर के रखता है, ठीक है, और उसको सुरक्षित रखता है। इसके ऊपर पेलिकिल होता है, वो भी उसको मजबूती देता है। अगर इसके ऊपर सेल वाल है तब तो बहुत मजबूत हो जाता है। तो सेल को एक शेप और साइज प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन। और नर्व सेल है तो नर्व इंपल्स को कंडक्ट करने में मदद करता है। वैसे तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ाते समय इसको बता दिया है पूरा, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आगे भी मैं चूंकि पढ़ाऊंगा इसको, तो आप जुड़े रहें कंटिन्यू मेरे लाइव क्लास में। मेरा सजेशन ये है कि मेरे एनसीईआरटी से जो मैंने सारे चैप्टर पढ़ाए हैं 11th के 12th के, उसको एक बार आप कंटिन्यू पढ़ना शुरू करिए, है ना। उसको पढ़ते जाएंगे, जैसे मैंने अभी सेल बायोलॉजी पढ़ाया आपको, तो सेल बायोलॉजी वाला जो टॉपिक है एनसीईआरटी का आप उसको पढ़ लीजिए। जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूं साथ में, तो आप जेनेटिक्स वाला पढ़ लीजिए। तो वहां से पढ़ के आप मेरे लाइव क्लास में आएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कट समझ में आता चला जाएगा। वैसे तो इसमें आएंगे डायरेक्ट तो भी समझ में आएगा, लेकिन उसको पढ़ के आएंगे तो आपको बहुत ईजिली एकदम कोई बिना प्रॉब्लम के अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैक्रोफेजस एनगल्फ ओनली डेड आरबीसी, क्योंकि इन्हीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसको पहचान करते हैं, उसको रिकग्नाइज करते हैं। माइक्रोविलाई विलाई जो डेवलप हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देते हैं इंटेस्टाइन में और किडनी में, ठीक है, ठीक है। और सेल का रिकग्निशन साइट आपके सेल मेम्ब्रेन में ही होता है, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ठीक है। अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पेसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, ये सारी चीजें हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है जो लोग कंटिन्यू जुड़े रहे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और कुछ लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो टूट गई थी बीच में, ये प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा क्लास आपको, और कुछ नए बच्चे अगर जुड़े हैं तो कृपया आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखें, जिससे आपको कंटिन्यू मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वैसे तो मैं आपको बता दूं क्लास हमेशा मेरी 5 बजे ही होती है, अभी लाइव क्लास जब तक नया कोई टाइम टेबल नहीं मिलता हमको तो तब तक 5 बजे होगी, है ना। तो 5 से 1.5 घंटे की तो मिनिमम क्लास रहेगी, हो सके तो हम 1.5-2 घंटे तक हम ये क्लास करेंगे, ठीक है, और कोर्स को जल्दी खींचेंगे आपकी, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, है ना। बाय, थैंक यू।